हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का लेने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फटाफट से। अभिषेक शर्मा, हेलो। और जितने लोग यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास फटाफट से, और नीचे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आज का पेपर जो है आप सभी लोग का कैसा गया DBMS का। मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ हर्षित, रुस्तान, रुस्तम, सभी को हेलो। देवकारा सिंह, ठीक गया है, बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून। सुष्मिता, फटाफट से सभी लोग भाई लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। सभी लोग का अच्छा ही गया होगा DBMS का, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करेंगे, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने लोग नए हों चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी को वॉइस क्लियर हो रही है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, और स्क्रीन विजिबल है तो। समर साक्या, चलिए मैं आपका नाम ले दिया। एक मिनट और वेट कर ले रहे हैं का, और स्टूडेंट आ जाए। सभी लोग भाई क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं। सुरभि सोनी, गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। सभी PDF आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर को। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट अपना आते रहेंगे, क्योंकि अभी सब पेपर देके आए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो सो रहे होंगे, तो अपना सोते रहें। जिनको एग्ज़ाम देना है, जिनको अच्छे कुछ करने हैं, अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रो में हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जिनको PDF वगैरह चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, RK Study 2.0, ठीक है। RK Study 2.0 टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज का हमारा जो सेशन है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें हम लोग आधे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग रात को 10 बजे के बाद क्लास लेंगे, तो उसमें आधे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विषय सूची आपका एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आपके क्या क्या आपको पढ़ने हैं, आपके क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में है, जिसमें कि आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को कवर कर रहे होंगे। लेसन नंबर 2 है जिसमें कि आप ई कॉमर्स पेमेंट के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कवर कर रहे होंगे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग में क्या इसके सिद्धांत होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग SEO के बारे में समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत में ये होता है कि हम अपनी जो साइट बनाते हैं उस साइट को सबसे पहले कैसे ला सकते हैं। तो SEO के बारे में हम लोग लेसन नंबर 4 में पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग गूगल एडवर्ड के बारे में समझ रहे होंगे कि हमारा जो है गूगल एडवर्ड के थ्रू किस तरह से हमारे पास पैसे आते हैं, गूगल एडवर्ड किस तरह से की जाती है, तो ये लेसन नंबर 5 में पढ़ रहे होंगे। गूगल एनालिटिक्स, इसके अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि हम जो भी चीज़ें जैसे गूगल साइट पे जो हमने वेबसाइट बनाया या जो चीज़ हमने ब्लॉग बनाया है, कोई भी चीज़ बनाया है, तो उसको हम लोग किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इस हम लोग लेसन नंबर 6 में डिस्कस कर रहे होंगे। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अगला हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
सोशल मीडिया मार्केटिंग आई होप कि आप सभी लोग को पता है कि यूट्यूब जो है, फेसबुक जो है, ठीक है, ट्विटर हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 7 तक है आपका, जिसमें कि आज हम लोग 4 लेसन या 5 लेसन तक कवर करेंगे, इसके बाद जो लेसन बचेंगे वो रात को कवर कर लेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास पहले लिए हुए हैं, पहले से है, ठीक है, तो चैनल पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, उसकी टेलीग्राम चैनल भी है। तो सभी लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग अब लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग कवर कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको हम लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं, उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको हिंदी में वाणिज्य कॉमर्स के बारे में पूछा जाएगा, ई कॉमर्स क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश मैच करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टेक्निक वर्ड है, तो टेक्निक वर्ड लिखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो ये आप सभी लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वो भी वेरी वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझ रहेंगे कि हमारा जो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स शब्द एक बिजनेस मॉडल होता है, जिसके संदर्भित करता है कि जो कंपनियां और जो व्यक्तियों को इंटरनेट पे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की जो अनुमति देता है, ई कॉमर्स कहलाता है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में हमें इंटरनेट के माध्यम से जो भी कंपनियां, ठीक है, व्यक्तिगत इंटरनेट के माध्यम से यदि किसी वस्तु को यदि खरीदते हैं या फिर यदि बेचते हैं, ठीक है, या फिर खरीदने जो वस्तु खरीदते हैं, ये सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में आते हैं। यानी खरीदना और बेचना, ये दोनों काम किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में होता है। अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप से बताए गए हैं, ठीक है। ई कॉमर्स 4 प्रमुख मार्केटिंग होते हैं जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, और अन्य स्मार्टफोन उपकरणों पे किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम लोग अलग अलग जहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास डिजिटल जो है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं जहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, पीसी पे कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं। तीसरा हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं, और अन्य जो स्मार्टफोन है उस पे कर सकते हैं, या स्मार्ट जो टाइप है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप हो तो उससे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, सेवाएँ देना या फिर खरीदना या बेचना, इन सभी का अनुमति देना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में आता है। इंटरनेट पे वस्तुओं को खरीदना बेचना या उसको अनुमति देने का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में आता है, जिसमें कि हम लोग मार्केटिंग का जो सेगमेंट है वो किसी भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हैं, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, या कोई अन्य स्मार्टफोन उपकरण हो, तो उनसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा कॉमर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, उन बोर्ड रेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग कार्यों को इंगित करता है जिनमें प्रोडक्ट एक सर्विस खरीदकर बेची जाती है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा,
चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ई कॉमर्स है, ठीक है, उन सभी कमर्शियल गतिविधियों से संबंधित है जिसके दो या दो से अधिक पक्ष या व्यापार जहाँ पर फिजिकल संपर्क या फिजिकल विनिमय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वर्चुअल क्रिया को करते हैं, जैसे कि ई बिजनेस हो गया, ई बैंकिंग हो गया, ई शॉपिंग हो गया, तो ये सभी कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा अमेजोन हो गया, ठीक है, या फिर इस तरह के जो हमारे फ्लिपकार्ट हो गए, तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में ये सारी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि ये हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं। तो ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कॉमर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग आ जाता है, ई बैंकिंग आ जाता है, ई बिजनेस आ जाता है, ये सभी हमारे भाग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फिगर इस तरह से बनाने हैं। ये हमारा है ई कॉमर्स, यहाँ पे हमारा शिपिंग कस्टमर है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वेयर हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ई कॉमर्स के अंतर्गत में हमने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च सिलेक्शन कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंतर्गत में क्या कर सकते हैं, सर्च सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि कस्टमर क्या करेगा, विजिट करेगा। कहाँ पे विजिट करेगा, ई कॉमर्स के अंतर्गत में। आपकी शुरुआत जो है, मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी शुरुआत जो है यहाँ से होगी, कस्टमर से होगी, क्योंकि एक आप कस्टमर है तो आप विजिट करेंगे। कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो आप विजिट कर रहे हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत में, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत में आप विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जैसे शॉपिंग ही करना है, ठीक, तो शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सर्च करने होते हैं। अब सर्च क्या करेंगे, प्रोडक्ट को, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक जींस खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट को ख़रीदने होंगे। जब आप प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं तो आपको एक और यहाँ पे चीज़ करने होते हैं। जब आप प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को करने के लिए एक बैंक पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप बैंक पेमेंट को करते हैं या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तब जाके आपका यहाँ पे रिप्लेस होके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। फिर वे आता है कहाँ पे, वेयर हाउस पे, जहाँ पे कि हमारा जो ऑर्डर होता है उसको कंफर्म किया जाता है, ठीक है। जब हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास ये शॉपिंग है, जैसे शर्ट आपने ख़रीदा तो आपके पास शर्ट है, तो वेयर हाउस पे कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर जब कंफर्म हो जाता है तो ये हमारे आता कहाँ पे है, शिफ्टिंग की जाती है। शिफ्टिंग करने के बाद फिर हमारा एक ट्रैकिंग दी जाती है, जिससे कि हम लोग उस वस्तु को, जो वस्तु हमने ख़रीदे हैं, उस वस्तु को ट्रैक करके अपने पास वो चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक एक स्टेप करके कि किस तरह से हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है उसको किस तरह से बना सकते हैं, वो इस तरह के फिगर से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टोटली जैसे हम शुरू से लेके एक कस्टमर होता है वो क्या क्या करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई होप कि ये सारे चीज़ समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले कस्टमर जो है वो क्या करता है, कस्टमर जो है वो विजिट करता है किसी साइड पे, ठीक है, ई कॉमर्स के साइड पे विजिट किया, जहाँ पे कि वो शॉपिंग, बैंकिंग कुछ भी कर सकता है। तो हमने शॉपिंग को लिया, शॉपिंग पे जाने के बाद हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सर्च करते हैं, तो कोई भी वस्तु को हमने सर्च किया, यानी प्रोडक्ट को सर्च किया। अब जब प्रोडक्ट को हमको ख़रीदना होगा तो हम बैंक से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे पैसे पेमेंट करने होते हैं, या तो कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है या तो फिर ये ऑनलाइन डिलीवरी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ऑनलाइन किया तो बैंक से पेमेंट कटेगा, कैश ऑन डिलीवरी किया तो आने के बाद देने होंगे। तो फिर यहाँ पे उसके बाद फिर हमारा वेयर हाउस के पास जाता है, जहाँ पे कि हमारा ऑर्डर जो है कंफर्म की जाती है। कंफर्म होने के बाद ये शिफ्टिंग की जाती है, शिफ्टिंग होने के बाद हमारा ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, फिर ट्रैक करके हम अपनी वस्तु को ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का उपयोग किए जाते हैं, और कहाँ कहाँ पर की जाती है वो भी हमने बता दिए। अब हम बात करेंगे उसके कुछ बेनिफिट की, कि हमारे जो ई कॉमर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट हैं हमारे पास। नंबर वन, कि जो उपयोगकर्ता होता है वो विभिन्न प्रकार के इसमें से लाभ पा सकता है। तो फर्स्ट लाभ ये दिया गया है कि ई कॉमर्स की विशेषता यह है कि अपने उपभोक्ता को 24/7 समर्थन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे और 7 वीक, माने सातों दिन, ठीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 1 वीक और 24 घंटे, इतना मतलब 24/7 समर्थन प्रदान करता है, मैंने अपनी जो
कह सकते हैं कि उपभोक्ता को अपने तरफ से समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, डिलीवरी दे सकता है, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दूसरा लाभ यहाँ पे ये दिया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है यह अपने ग्राहक को अधिक विकल्प प्रदान करता है और उत्पादों की तेज़ी से डिलीवरी करता है। अब जैसे कि आप एक सिंपल सा वे में समझिएगा कि आप एक जींस खरीद रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इस जींस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनकी साइज़ जो है किसी की 30 होती है तो किसी की 32 होती है, किसी की 34 होती है, ठीक है, किसी का 35 होता है तो किसी का 38 होता है। तो अलग अलग टाइप के क्या हैं, जीन्स तो वही है, बस साइज़ क्या है अलग अलग है, बड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग को प्रदान की जाती है जिससे कि ग्राहक जो है यहाँ से कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए और हमारी जो डिलीवरी है वो तेज़ी से हो जाए, सभी साइज में सभी उपयोगकर्ता को मिल जाए। तो ये एक लाभ देता है। और बहुत सारे ऐसे लाभ देते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसको एक हफ्ते का आपको पास टाइम देता है कि आप उस वस्तु को वापस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए उपयोगकर्ता ई कॉमर्स के माध्यम से सस्ता और बेहतर विकल्प चुन सकते हैं क्योंकि यह अपने ग्राहक को अधिक विकल्प प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी अपने अनुसार आप जो भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई कपड़ा पसंद आया, अब उस कपड़े को देखेगा तो किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। अब जैसे हमने दो प्लेटफार्म को चूज किया, एक हमने चूज किया अमेजोन का, दूसरा हमने चूज किया फ्लिपकार्ट का। अब हमने कोई एक वस्तु देखा तो उस वस्तु का जो है दाम है कितना, 150 रुपये, और इसमें दाम है हमारा 120 रुपये, तो हम किसको ख़रीदेंगे? 100% ये है कि हम 120 वाला ख़रीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जहाँ पे बेनिफिट होगा वही तो वही चीज़ तो हम ख़रीदेंगे। तो हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट पे हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट हमको ख़रीदने हैं। तो फ्लिपकार्ट में भी हमने देख लिया, अमेजोन में भी देख लिया, बस प्राइस का अलग अलग फर्क था इसलिए हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा। तो प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं और देख कर दाम को अपने अनुसार ले सकते हैं, ये हमको सुविधा प्रदान होता है। तो ये इनके कुछ बेनिफिट थे। और अलग अलग बहुत सारे इसके बेनिफिट दिए गए हैं तो वो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डिसएडवांटेज ये दिया गया है कि ई कॉमर्स का उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आप किसी वस्तु को यदि ख़रीदते हैं तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी चीज़ को परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबल ये है कि इंटरनेट स्लो डाउन हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी वस्तु को ख़रीद रहे हैं तो उस समय आपका इंटरनेट जो है स्लो हो सकता है और ट्रांजैक्शन रुक सकता है, तो ये सब हानियां हैं। और सिक्योरिटी जो है वो इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहता है, यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स जो है उसका उपयोग करके एक और चिंता बनी रहती है सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन को चुराई जा सकती है, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें यूज करते हैं तो थोड़ी सी चोरी की इसमें संभावना होती है। देखिए ई कॉमर्स एक पब्लिक की होता है जो कि साफ नहीं होता है, ठीक है, सेफ नहीं होता है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ई कॉमर्स का है एक पब्लिक की होता है, ठीक है, यानी कोई भी पब्लिक इसको एक्सेस कर सकता है जो कि सेफ नहीं होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। और जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स का आपका बिजनेस मॉडल आ गया यहाँ पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ई कॉमर्स का बिज़नेस मॉडल है उसको यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 B2B, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस, हिंदी में बोलेंगे व्यवसाय से व्यवसाय। नंबर 2 B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल पूरा पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आपको पूरा चीज़ कंफर्म हो जाएगा। अभी बस आप टाइप देख लीजिए कि हमारा ई कॉमर्स जो होता है उसके कौन कौन से टाइप हैं।
तो सबसे पहले हमने बताया बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूम टू कंज्यूम, और जो लास्ट है उसको बोलते हैं सी टू बी, कंज्यूम टू बिजनेस। तब ये चारों क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में भी समझेंगे। उससे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा कि ई कॉमर्स का ये बिजनेस मॉडल होता है, क्या होता है ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, जिसमें कि चार टाइप के मॉडल हैं, बी टू बी जिसको बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं हम लोग बी टू सी जिसका नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा जो है हमारा सी टू सी जिसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा लास्ट जो है सी टू बी जिसको कंज्यूमर टू बिजनेस बोलते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, देखिए बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस व्यवसाय मॉडल अनुसरण करने का वाली एक व्यवसाय या प्रोडक्ट को एक इंटरमीडिएट खरीदता है, खरीद को बेचती है, जो कि फिर प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर को बेचती है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अपने आसानी भाषा में आप सभी को समझाता हूँ, तो आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा कि बी टू बी क्या होता है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस दोनों बात का कर रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस, इसमें दोनों बात बिजनेस ही बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में क्या बात कर रहा है, बिजनेस की। एक बात यहाँ पे सभी लोग नोट करके रखेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस में केवल बात कर रहा है बिजनेस की, ये भी कह रहा है कि हमारा ये बिजनेस है, और ये भी जो बोल रहा है ये भी कह रहा है कि बिजनेस है। तो इसके अंदर में ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिस प्रोडक्ट को एक बिजनेस वाला ही उस बिजनेस को खरीद सकता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे होलसेलर दुकान, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर का नाम सुना होगा आपने। तो जो होलसेलर होता है वो कहाँ से ख़रीदता है, वो भी एक होलसेलर से ही ख़रीदता है। तो जो होलसेलर एक होलसेलर से ख़रीदता है, जो कि पूरे जो उसके छोटे छोटे कस्टमर होते हैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराता है, तो जो एक होलसेलर होता है दूसरे जो होलसेलर से के साथ वस्तु को ख़रीदता है, यानी ये इसके साथ बिजनेस किया और ये इसके साथ बिजनेस किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस टू बिजनेस, जो कि एक होलसेलर होता है वो प्रोडक्ट को सेल करता है एक होलसेलर के पास। ठीक, अब ये होलसेलर क्या करता है, ये होलसेलर जो है वो कस्टमर को क्या करता है, अपने वस्तु को बेचता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो एक होलसेलर होता है, जो कि पूरे जैसे कि आपको एक बिस्किट ख़रीदना है, ठीक है, आपको एक बिस्किट ख़रीदना है तो आप एक कस्टमर हो गए, आप एक बिस्किट ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक क्या हो गए, कस्टमर हो गए। ठीक है, आप एक अगर बिस्किट ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक कस्टमर हो गए, लेकिन उसी बिस्कुट को पूरा पेटी के साथ, माने उस पेटी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पेटी को पूरा ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे बिजनेस मैन। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा आपने ख़रीदा है ये आप किसी और को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी और को यदि सेल कर रहे हैं तो ये कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। आप यदि कस्टमर हैं तो आप एक बिस्किट खरीदेंगे और उस बिस्कुट को सेल नहीं करेंगे, आप इसको खा जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बी टू बी। आईएमडी का पेपर कब से है, आईएमडी का पेपर 18 को है। ठीक है, 5 और 6 का जिनका भी एग्ज़ाम था वो टल गया है। तो यहाँ पे सभी लोग को क्लियर हो गया कि बिजनेस टू बिजनेस में हम लोग केवल बिजनेस करते हैं। ठीक है, सिंपल भी भाषा में हमने बताया कि एक हमने बिस्किट का पैकेट, पूरा बिस्किट का जो पूरा डब्बा होता है वो हमने ख़रीदा, तो वो हमको क्या कर सकते हैं, वो हम सेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस हो गया। ठीक है, बी टू बी। और यही चीज़ अगर हम कोई वस्तु, जैसे कि हमने बिस्कुट ही ख़रीदा, एक पैकेट ख़रीदा, तो कस्टमर कहलाता है, और वो कस्टमर क्या करता है, वो कस्टमर क्या करता है,
वो खा जाता है इस बिस्कुट को, कहीं बेचता नहीं है, तो वो हमारा क्या है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस टू बिजनेस वो होगा जो हम प्रोडक्ट को ख़रीद के, ठीक है, प्रोडक्ट को ख़रीद के वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि B2B क्या होता है। अब बात करेंगे B2C, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके अंतर्गत में हम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन प्रोडक्ट को क्या करने होते हैं, सेल करने होते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, कस्टमर है। ये हमारा बिजनेसमैन है और ये हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारा बिजनेसमैन है, इस जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, ये क्या करता है, प्रोडक्ट को ये सेलिंग करता है। क्या करता है, सेलिंग करता है, ठीक। तो बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत में हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसकी सेलिंग की जाती है। और इस प्रोडक्ट में हमारा एक बेनिफिट मिलता है कि हमारा इसमें जो है सर्विस भी प्रदान की जाती है। जैसे कि आप एक फ़ैन खरीद लीजिए, क्या खरीद लीजिए, फ़ैन, ठीक। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या काम करेगा, जो एक बिजनेसमैन है वो ये कस्टमर है, एक सेकेंड, ये कस्टमर है, ये बिजनेसमैन है। अगर आप इस बिजनेसमैन से आप एक फ़ैन ख़रीदते हैं, कस्टमर एक फ़ैन ख़रीद लिया, तो उस कस्टमर को ये क्या करेगा, बिजनेसमैन जो है वो सर्विस देगा। तो सर्विस देता है या तो 6 मंथ का देगा या फिर 12 मंथ का देगा, ठीक है। वो अपने अनुसार डिसाइड करते हैं, कंपनी के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि वो कितने दिन को आपको दे सकता है। तो ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कि एक बिजनेसमैन होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है और वस्तु को यहाँ पे सेल कराता है। अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है C2C, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि C2C व्यवसाय, जिसे ऑनलाइन यहाँ पे मार्केट प्लेस भी कहा जाता है, जिसमें कंज्यूमर को वस्तु और सेवा आदान प्रदान करने के लिए जोड़ता है और आमतौर पे लेन देन या स्टैंड शुल्क चार्ज करने पे अपना पैसा बनाता है। तो इसके अंतर्गत में हमारा क्या होता है, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत में हम अपनी क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। माने एक जो है जो कंज्यूमर होगा, जैसे कि एक व्यवसाय होता है, जैसे अमेज़ॉन पे आपने क्या किया, अमेज़ॉन पे आपने कोई भी प्रोडक्ट को सर्च किया, एक आपका कस्टमर है जिसको हम लोग कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तो ये जो कस्टमर है वो क्या करता है कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अमेज़ॉन पे देखकर और ख़रीदता है। तो ये जो है आपका अमेज़ॉन का जो ओनर है वो आपको देने नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको देने नहीं आएगा, ये अपना एक कस्टमर जो है वो भेजता है, ठीक है, या फिर अपना जो कंज्यूमर होगा वो भेजता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को लेकर जाइए और यहाँ पे जो हमारे पास कस्टमर जो हमने हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे हैं उस प्रोडक्ट को लेगा। तो ये अपने एक कंज्यूमर को भेजता है इसके पास, तो इसके अंतर्गत में ये चीज़ें आती है। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि जो कस्टमर है वो अपनी शुल्क ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, दो चीज़ होते हैं। जैसे कि अगर यदि आपका अमेज़ॉन है, ठीक है, या फिर आपका फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में देखिए अगर कोई वस्तु को ख़रीदते हैं तो उसमें लिखा है कि 40 रुपये सेलिंग के साथ, माने आपने 250 रुपये का प्रोडक्ट को ख़रीदा है, अब कहेगा कि 40 रुपये और दो भैया तो आपके घर तक पहुँच जाएगा, तो टोटल में आके 290 रुपये देने होंगे। तो ये जो 40 रुपये है वो अपने अनुसार क्या कर सकता है, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, तो वो उसके ऊपर रहता है। अगर नहीं लेता है तो इसके अंदर इंक्लूड है। एक बात में आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 40 रुपये वो नहीं लेता है, आपको दिखा के नहीं लेता, तो इसके अंदर इंक्लूड है, और अगर दिखा के लेता है तो ये बाहर इंक्लूड है, मतलब इंक्लूड है इसके अंतर्गत में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति थे तो फ्री में थोड़ी काम करेगा, उसके लिए आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो आपसे पैसा ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, तो उसके ऊपर रहता है। हम लोग को कोई प्रोडक्ट लगता है कि हमारा 250 का है, अभी हमको मिल जा रहा है, ठीक, तो इसमें हमारा चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसके अंतर्गत में वो जो 40 रुपये एक्स्ट्रा होता है वो उसके साथ जोड़ के लिया जाता है। हाँ, ये वीडियो YouTube पर ही रहेगा। तो ये C2C में होता है, ठीक है।
सी टू सी में यही चीज़ होते हैं कि एक जो कंज्यूमर होगा वो दूसरे कस्टमर के साथ क्या कर सकता है, एक कस्टमर यहाँ पे दिया गया है, दूसरा कस्टमर यहाँ पे दिया गया है जो प्रोडक्ट को रिसीव कर सकता है, ठीक है, और उसके बदले उससे पैसे ले सकता है, प्रोडक्ट को रिसीव करके जो उसके पैसे हैं उसको ले सकते हैं। हाँ ज्योति जो हैं वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास लेंगे, हाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्लास लेंगे। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी टू बी, माने यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि व्यवसाय व्यक्तियों को कंपनियों को सामान और सेवा बेचने का परमिशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान से समझिएगा, हमारा लास्ट है ये, हमारा हो गया सी और ये हमारा सॉरी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि एक हमारा बिजनेसमैन होता है और एक हमारे पास कस्टमर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस वाला है, ये एक कस्टमर को क्या करता है, प्रोडक्ट को सेलिंग करने का एक ऑफर देता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, ठीक, तो बिजनेसमैन है तो वो क्या काम कराएगा, कहेगा कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर दो, ठीक, दिन भर में आप 10 भी बेच देते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये काम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर का। तो इसमें इसका भी बिजनेस चल गया और ये कस्टमर का भी बिजनेस चल गया, ठीक है, तो इसके बदले ये पैसा वापस लेता है। जैसे कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी कोई एक प्रोडक्ट है जो आप सेल कराना चाहते हो किसी वस्तु के, मतलब किसी पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई बिजनेस वाले हैं, आप हो गए, आप ही के बारे में हमने बताया, तो आप कपड़े का दुकान मान लो करते हो, तो कपड़े का दुकान जो करते हो, ठीक है, उसको कहते हो कि हमारा जो कपड़ा है वो पर डे 50 सेल करा दो, आप कितना सेल करा दो, 50 सेल करा दो, तो कस्टमर कहेगा कि ठीक है हम 50 सेल करा देंगे, पैसे कितना दोगे, तो ये कह रहा है कि हम 50 सेल करा दोगे तो आपको 1000 रुपये देते हैं, ठीक है, 1000 रुपये देते हैं, तो ये कहेगा कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या करेगा कि ये जो 50 प्रोडक्ट है उसको सेल करा देगा, वो 50 का जितना भी पैसा होता होगा, मान लीजिए 50 कपड़े का दाम लगभग 50000 रुपये हमें मिल गए, मान लेते हैं एक कपड़े का 1000 होगा तो 50 कपड़े का 50000 हमारा आ गया, 50000 में ये काम क्या करेगा कि इसको 49000 रुपये देगा और इसमें से 1000 रुपये जो है ये रख लेगा। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर, इस तरह से बी टू सी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे एक आप तैयार कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ये गवर्नेंस क्या होता है, ठीक, और इसके कौन कौन से मूल तत्व हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, जैसे कि जी टू जी दिया गया है, जी टू सी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे दो और दिए गए हैं, जी टू बी और जी टू ई। तो ये गवर्नेंस जो होता है वो क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट में बस लगा दे रहा हूँ। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो वो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। CMSS के बारे में एक बार हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, जिसको हम लोग CMSS को बोलते हैं कंटेन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, CMSS को बोलते हैं कंटेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंतर्गत में हमें जैसे वेबसाइट वगैरह बनाने हो, अच्छा कोई साइट वगैरह बनाने होते हैं तो CMSS का यूज किया जाता है। यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि यह एक ओपन सोर्स होता है, ठीक है, जिसमें कि हम अलग अलग नेटवर्क HTML जावा स्क्रिप्ट डोमेन डेटा कंटेन एडमिनिस्टर ये सारी चीज़ों का यूज करके, ठीक है, CMSS का यूज करके हम लोग अच्छे खासे वेबसाइट को बनाते हैं। तो इसके लिए हमारा CMSS का यूज किया गया होता है। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, गूगल भी करके आप पढ़ सकते हैं कि CMSS क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो हमारा
CMSS होता है यानी कंटेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो सीधे कोड के साथ काम करने की आवश्यकता के बजाय ह्यूमन जो फ्रेंडली इंटरफेस के साथ वेबसाइट बनाने और प्रतिबंध करने में आपकी सहायता करता है। माने हम लोग को किसी भी टाइप का अगर वेबसाइट बनाने हैं तो उसके लिए ये CMSS का यूज किया गया होता है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया गया होता है तो इसमें HTML का भी यूज किया गया होता है। आप सभी लोग को पता होगा कि HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका इस्तेमाल हम लोग वेबसाइट में करते हैं, तो CMSS के अंतर्गत में HTML का यूज किए गए होते हैं। अब आगे यहाँ पे कॉल सेंटर क्या होते हैं, तो कॉल सेंटर के बारे में सभी को पता है कि कॉल सेंटर में क्या होता है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का मैनेजमेंट की जाती है। माने जो हमारे पास थिंग्स है यानी वस्तु हैं और जो हमारे पास सर्विस प्रदान कर रहे हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है, यह हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। इसमें वे सभी प्रक्रियाएं शामिल होते हैं जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल होता है। अगर कोई कच्चा माल हो तो उसको हम लोग रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, पक्का माल होता है जो कि हम लोग बना लेते हैं, ठीक, टोटली बनाकर तैयार रखे रहते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत में यही आता है कि अगर हमें पास किसी के पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो उसको फाइनल प्रोडक्ट में किस तरह से हम लोग बदलेंगे, ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत में आते हैं। तो ये एक सर्विस प्रदान करते हैं, ठीक, वस्तुओं की। अब हमारा अगला जो है डिफरेंट आ सकता है कि ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस में क्या अंतर होता है, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस में, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसका इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आउटवर्ड फैचिंग प्रोसेस ये होती है, इसमें वेब फ्रंट तथा बैक एंड इंटीग्रेशन किए जाते हैं ई बिजनेस के अंतर्गत में। ई कॉमर्स जो होता है इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, इसमें प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस के अंतर्गत में। कस्टमर सप्लाई इंटरनल पार्टनर की देखभाल करता है ई कॉमर्स। अगर ई बिजनेस की बात करें तो ये हमारा सभी इंटरनल प्रोसेस जैसी प्रोडक्ट ऑपरेशंस HR को देखभाल करता है। इसमें रिवेन्यू जिग्रेशंस का मेन बेस्ड होता है, माने जो हमारे पास पैसे होते हैं उसका ई कॉमर्स जो है की जाती है। रिवेन्यू ग्रेजेस इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है बिजनेस के अंतर्गत में, इसमें आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत में अपनी जो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को सेल कराना है तो आसानी से हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन ई बिजनेस के अंतर्गत में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो इतना आसान नहीं होता। अगर कोई बिजनेस करना चाहे, ठीक है, उस आगे इतना जल्दी तुरंत जल्दी बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहे तो सेल हो सकता है, धीरे धीरे सेल होगा। अब जैसे ही सेल हो सकता है, अगर ई कॉमर्स कोई किया बंदा है तो वो क्या कर सकता है, ई बिजनेस में आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे अगला दिया गया है बिजनेस मॉडल, ठीक है, कि बिजनेस मॉडल से क्या समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि कोई कंपनियाँ होंगी जो कि रिवेन्यू के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी कंपनी के मार्केट में उसके जाएंगी और उसके लाभ कमाने और विभिन्न तरीके जो होते हैं वो सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल में यही होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं, सिंपल सा बात, आप यदि सब्जी लेने जाते हैं तो बिजनेस वाला करने वाला को पता होता है कि आज क्या रेट है, ठीक। तो आप अपनी रिवेन्यू बढ़ाने के लिए आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी थोड़ी सी, अगर मान लीजिए आप आलू खरीद रहे हैं, ठीक है, आप क्या खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, तो आपकी आलू जो है थोड़ी सी अच्छी है, ठीक, अच्छी है तो आप 20 रुपये बेचेंगे, और अगर थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप 18 रुपये बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें रिवेन्यू जो है पैसे जनरेट करने के लिए हमारा बिजनेस मॉडल को बनाया गया होता है। बिजनेस मॉडल में बहुत सारे इंट्रक्शन दिए, ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि मार्केट प्लेस एक्सचेंज, ठीक है, बायर सेलर होता है, डिमांड कलेक्शन सिस्टम होता है, ऑप्शन एंड ट्रांजेक्शन ब्रोकर होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो इतने टाइप से बिजनेस मॉडल के ट्रांजेक्शन हैं जिनके सारे बारे में लिखे गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सप्लाई चेन के बारे में हमने बता ही दिए।
और यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स दिया गया है, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में क्या होता है, देखिए पहले ट्रेडिशनल कॉमर्स जो होता है इसमें विक्रेता और खरीदता, मतलब विक्रेता जो होता है यानी जो बेचने वाला होता है और ख़रीदार जो होता है उसके मध्य हमारा क्या होता है, सीधे कम्युनिकेशन होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में। और ई कॉमर्स के अंतर्गत में विक्रेता और ख़रीदार जो होता है उसके बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इंटरनेट के साथ यूज किए गए होते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स जो है हमारा ई शॉपिंग के अंतर्गत में आते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप किसी दुकान पर जाते हैं ना, सिंपल सा आप दुकान पर जाते हैं, आप दुकान पर वस्तु को ख़रीदते हैं, ठीक। तो आप अगर दुकान पर वस्तु को ख़रीदते हैं तो सामना सामनी आपसे मुलाकात हो जाती है और अपने अनुसार आप जिस हिसाब से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, जिस हिसाब से वस्तु लेना चाहते हैं देख के अपने हाथ से छूकर ले सकते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आपको सारी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, और आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से उसको छू तो नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं और देख के आप वस्तु को ख़रीद सकते हैं। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत में यही होती है कि हम लोग किसी वस्तु को ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ख़रीदेंगे, और ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंतर्गत में हम लोग दुकान पर जाके ख़रीदते हैं। ये मेन डिफरेंट होता है। आपको जैसे अगर बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंतर्गत में तो आपको 24 घंटा जो है सेवा उपलब्ध नहीं रहती है, ठीक है, लगभग इसमें आपको 16 घंटे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा और कम से कम 12 घंटे चालू रहता है। जैसे कि मॉर्निंग में किसी का 10 से लेकर 10 बजे रात तक होता है तो ये आपका 12 घंटा हो गया। और अगर ई कॉमर्स की बात करें तो इसमें 24 घंटे, ठीक है, और एक वीक यानी 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। आप 12 बजे रात को भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हो तो आप ये ख़रीद सकते हो। आपके घर कब आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आप किसी भी टाइम आप प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता, इसमें जाना पड़ता है आपको। अब जैसे हमारा ई कॉमर्स होता है उसके कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हमने अभी काफ़ी सारी बातचीत की है, ठीक है, जिसमें कि ई कॉमर्स मार्केटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा क्रेज है इस समय, ठीक है। ई कॉमर्स के अंतर्गत में ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं तो बहुत सारा इसमें क्रेज है। आप लोग जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट को हम लोग घर बैठे ख़रीदते हैं तो काफ़ी सारे अलग अलग जहाँ से एक ही, मतलब जैसे कि आप किसी ज़िले से हो तो उस ज़िले से आप यदि ख़रीदते हो तो उस ज़िले के जितने भी प्रोडक्ट उस साइड में जाने हैं तो सारे प्रोडक्ट को लेकर आता है। तो क्रेज देख उसी से देखने को मिलता है कि क्रेज जो है ऑनलाइन शॉपिंग का, ई मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको यदि बिजनेस भी करना है ई कॉमर्स के अंतर्गत में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे मंत्रा हो गया तो मंत्रा में आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट के अंतर्गत में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनी है, अमेजॉन हो गई, ठीक, और इस समय मीशो हो गया। तो ये सारी कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि ई कॉमर्स पर काम करती है, ऑनलाइन शॉपिंग पर काम करती है और इसमें बहुत आसानी से आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स के दूसरा कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को लेकर है। तो आप लोग देखते होंगे कि इसमें पैड करते हैं, पैसे को आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पैड करते हैं। तो पैड करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्री पैड कर सकते हैं, पे नाउ कर सकते हैं, पे लेटर कर सकते हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन सामान को ख़रीद के आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा दिया गया है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, जिसको नेट बैंकिंग हम किसी ऑफिस या घर बैठे इंटरनेट की सहायता से बैंक अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट अगर बुक करना है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सारे इनके कुछ कंपोनेंट है। सभी को क्लियर हो गया होगा, तो बस इतने ही थे लेसन नंबर 1 में। अब स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि लेसन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया, और जो ना समझ में आए वो आप लोग विद्या दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। सिब्बन गौतम, तो आपके ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में कुछ है नहीं। आप लोग जो बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसी से आपको चीज़ें लिखने हैं,
और ज़्यादा कुछ करने नहीं है, ठीक है। 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और किसी को कमेंट करना है तो फटाफट से कमेंट करके पूछ सकता है जो पूछना है। PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सभी को PDF मिल जाएगा। काफ़ी लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। विनय कुमार, अजय श्रीवास्तव, दिविकारा सिंह, मित्रसेन यादव, तो काफ़ी लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स पेमेंट का, ठीक है। ई कॉमर्स पेमेंट, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट, माने हम लोग किस तरह से ई पेमेंट करते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद हमारा ये होता है कि हमको पेमेंट करने हैं, ठीक है। यही चीज़ होता है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट करते हैं, तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट से बैलेंस करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारा पेमेंट जो है ऑटोमेटिक, जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करने हैं यहाँ पे, ई कॉमर्स पेमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि ई पेमेंट सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जब सामान खरीदने जाते हैं तो ग्राहक पेमेंट करता है, जिससे कि ग्राहक के अकाउंट से रुपए विक्रेता के अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जब पेमेंट में केवल आंकड़ों या डिजिटल सिग्नल का ही ट्रांसफ़र होता है, जो कि इस प्रकार किए गए पेमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। कहा जा रहा है कि जो हमारा ई पेमेंट, ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और पेमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंतर्गत में हमारी वो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आप कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या सामान खरीदने जाते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं पेमेंट को, तो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें देखिए आपके पास नंबर पता चलता है, कोई डिजिटल नंबर होता है जो कि आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपने 200 रुपये ट्रांसफ़र किए तो उसमें लिख कर आ जाएगा कि 200, ठीक। पैसा तो आपके हाथ वाला होता है जो कि आप कैश लेन देन करते हैं, तो वो गया कि नहीं गया, कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारा जो इस तरह के नंबर जो डिजिटल के फॉर्म में जाते हैं, डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो ट्रांसफ़र किए गए होते हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है। तो सभी लोग को क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में हमारा क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को ही, जो आंकड़ों के हिसाब से हमारा डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है, या ई पेमेंट भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट में कहेंगे कि कैशलेस होता है, माने हम लोग जो कैश पेमेंट करते हैं उससे वो नहीं होता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं होता, जो आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या फिर ATM कार्ड, जो इस सारे चीज़ों से आप करते हैं पेमेंट, वो हमारा होता है ई पेमेंट। यह देखिए आपके भाषा में बताया गया है कि बिना नगदी के सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन किसी कैश वैलेट या अमाउंट का उपयोग
करना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। माने आप बिना कैश दिए आप किसी एटीएम, डेबिट कार्ड, जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे का यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वही आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई पेमेंट क्या होता है। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखेंगे कि ई कॉमर्स पेमेंट पूछे तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अगर कॉमर्स बोल दे तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ दूसरा डिफिनेशन बदल जाएगा। ई कॉमर्स पेमेंट भी वही होता है, क्योंकि कॉमर्स के अंतर्गत में आप क्या कर रहे हैं, कॉमर्स के अंतर्गत में हमारा बिजनेस हो रहा है, ठीक। तो बिजनेस पे ही पैसा ख़त्म होता है, ठीक है, बिजनेस में ही आप पैसा को देते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ई कॉमर्स पेमेंट और ई पेमेंट सब सेम है। अब यहाँ पे जैसे कि ई कॉमर्स पेमेंट जो होता है वो किस तरह से काम करता है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कार्ड धारक का उपभोक्ता के रूप में पहचाना जाता है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड रहे तो उससे भी पैसा निकल जाता है, और आपके पास एटीएम कार्ड है तो उससे भी आपका पैसा निकल जाता है। तो ये वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं कार्ड होल्डर, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदता है। दूसरा है मर्चेंट, इसमें व्यापारी वह व्यक्ति या व्यवसाय जो कार्ड धारक को प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, तो इसमें ये चीज़ आते हैं। और यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस दिया गया है कि पेमेंट प्रोसेस में कार्ड धारक और व्यापारी के बीच अधिकारी लेन देन को संभालता है, ठीक है। एक आता है पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे जो है ये अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो गेटवे का मतलब होता है गेट, यानी जो हमारा पेमेंट किए गए होते हैं, जो हमारे पेमेंट किए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, ट्रांजेक्शन को सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए हमारा पेमेंट गेटवे का यूज किया गया होता है, ठीक है। सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और एनक्रिप्शंस का उपयोग करता है कौन, पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे क्या होता है समझ गए होंगे, गेट की तरह काम करता है, ठीक है। पेमेंट गेटवे कुछ इस तरह से होता है, हम आपको बता देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है और एक यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है। तो ये जो है ये कंज्यूमर है, यहाँ पे हमारा अमेज़न का साइड है या फिर बोल सकते हैं अमेज़न का रिसीवर है। तो यहाँ पे हमारा एक पेमेंट गेटवे लगा रहेगा, कुछ इस तरह से पेमेंट गेटवे रहेगा, जो कि यहाँ से कंज्यूमर क्या करता है कि पेमेंट करता है। तो ये जो हमारा पेमेंट गेटवे होता है ये, ठीक है, तो ये गेट की तरह काम करता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है, ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी जो है उसको अच्छी बनाए रहे, क्योंकि कोई हैकर जो है इस पेमेंट को ले न पाए, क्योंकि ट्रांजेक्शन करते टाइम जो है हमारा जो ट्रांजेक्शन की जाती है उस टाइम में हमारा जो है डेटा एक दूसरे के पास कनेक्ट होते हैं। तो उस समय अगर कोई हैकर है जो इसको पता है कि यहाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पैसे को ले सकता है अपने पास। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन की सुरक्षा प्रदान होती है वो गेटवे के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से गेटवे होता है। ई पेमेंट सिस्टम के क्या प्रोसेस हैं, हमारा जो ई पेमेंट हमने बताया अभी, ई पेमेंट उसके क्या प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कार्ड नंबर होता है, ठीक है, उसमें डेट दिए गए होते हैं, CVV कोड दिए गए होते हैं, एड्रेस दिए गए होते हैं। तो ये सारी जानकारी भर के हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या पेमेंट फॉर्म भी भरते हैं। तो ई पेमेंट के करने के कुछ इस तरह से प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट बैंक से पैसा कटा सकते हैं। पेमेंट गेटवे फिर से समझा दीजिए। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक अमेज़न का सिस्टम है, ये हमारे पास एक कस्टमर है और यहाँ पर हमारा एक अमेज़न का जहाँ पे कि प्रोडक्ट रिसीव किया गया होता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, पेमेंट गेटवे होता है, ये गेटवे होता है जो कि एक गेट की तरह काम करता है। याद रखिएगा, गेटवे जो होता है ये क्या काम करता है, एक गेट की तरह काम करता है जिसमें कि सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब जैसे कि आपको कभी भी किसी को, आप यहाँ से वस्तु यदि अमेज़न से वस्तु यदि ख़रीद रहे हैं तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आप जो पेमेंट करते हैं तो उसके बीच में एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को
ठीक है, उस प्रोसेस के टाइम में ये गेटवे जो है सुरक्षित आसानी से, मतलब ये क्या हो, पेमेंट हो जाए, इसके लिए गेटवे का यूज किया गया होता है। ये जो गेटवे है इसका तब यूज किया गया होता है जब हमारा पेमेंट जब किया जाता है तो उसको आसानी से कोई भी प्रॉब्लम न हो, नेटवर्क कनेक्शन न हो, कोई हैकर इस पैसे को ले न सके, इसकी जानकारी को ले न सके, इसके लिए गेटवे का यूज किया गया होता है। तो सिक्योरिटी मेन लिखेंगे आप, सिक्योरिटी के लिए गेटवे का यूज किया गया होता है। ई पेमेंट सिस्टम के प्रोसेस हमने बता दिए कि कार्ड नंबर डालने होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के दिए गए होते हैं। तो यही सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के क्या क्या मेथड हैं, मतलब किस किस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, दो कार्ड हो गए, और तीसरा स्मार्ट कार्ड, चौथा ई वॉलेट, इससे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, पांच हो गए। और ये सारे तो जो बाहर से हैं, अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, गूगल पे, अमेज़न पे, ठीक है, और फ़ोन पे, पेटीएम, और आधार कार्ड से भी पैसा निकाल के पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग पांच टाइप से लिखिएगा जो यहाँ पे दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के इतने मेथड हैं, ठीक। तो सभी लोग को पता है कि डेबिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, पूरा आप डिटेल पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा एडवांटेज ऑफ ई पेमेंट सिस्टम है, पूरा हमारे लोग इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ई पेमेंट ही क्या होता है। तो ई पेमेंट का पूरा विस्तार यहाँ पे दिया गया है कि ई पेमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो इसके एडवांटेज दिए गए हैं कि ये क्या क्या एडवांटेज देता है। तो ग्राहक तक पहुँच, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक बिक्री होती है। ई पेमेंट सिस्टम से हमारा क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं और जो है हमारी बिक्री जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक अधिक होती है। वेबसाइट पे वस्तु के लिए पेमेंट कर सकते हैं, जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं। टेक्नोलॉजी की लागत जो है बहुत ही कम होती है, ट्रांजेक्शन लागत भी कम होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हम लोग को सुविधा मिलती है, तो ई पेमेंट का एडवांटेज है। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाएगा कि हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए डेबिट कार्ड उसके लिए होता है जो कि पेमेंट करने पर सीधे आपके बचत बैंक खाते या चालू खाते से पैसे काटे जाते हैं। माने जो डेबिट खाता होता है वो सबको नहीं मिलता है, सॉरी, जो क्रेडिट कार्ड होता है ये सबको नहीं मिलता। ये जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड सबके पास होता है लगभग। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपकी सेविंग बैंक होती है, लगभग अभी जितने भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं सभी के पास सेविंग बैंक है। स्मार्ट कार्ड पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, स्मार्ट कार्ड क्या होता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिल पाता, उसको मिल पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा धनराशि का लेन देन करता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेना होता है, इसमें एक लिमिट दी जाती है कि आप इतने लाख रुपए, इतने रुपए निकाल सकते हैं, इतने रुपए नहीं निकाल सकते हैं। तो सबको ये नहीं दी जाती है, जिसकी सेविंग बैंक होती है, जैसे कि आप सभी का सेविंग बैंक है तो आपको डेबिट कार्ड मिला होगा। और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होता है। इसमें जो खरीदारी या भुगतान जो होते हैं उन उधार लेने की अनुमति देता है, माने क्रेडिट कार्ड से आप जितना चाहे उधार ले सकते हैं। तो उधार लेने के लिए अनुमति देता है, और इसमें पैसे खर्च करने के लिए आपको एक क्रेडिट की लिमिट दी जाती है कि आप इतना क्रेडिट के अंतर्गत में कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े जो पेमेंट होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर में किए जाते हैं। अगर आप लोग, जैसे कि अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आप लोग ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। आप किसी बैंक में जाइए, 10,000 रुपये से अधिक नहीं निकालने देंगे, कहेंगे कि अब 24 घंटे बाद आना, तो आपको 10,000 फिर निकाल सकते हैं, कुछ महीने में होते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे दिया है, ठीक है। एक अलग से क्वेश्चन हमने बोला ना कि एक अलग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो हमने पेमेंट गेटवे जस्ट अभी नाउ समझाया है कि पेमेंट गेटवे क्या काम करता है। एक गेट की तरह काम करता है, हमारे जो भी कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं
ठीक, उसमें पेमेंट गेटवे जो है एक पेमेंट क्या होते हैं गेट की तरह काम करता है, जिसमें कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जाती है उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हो रहे जो पेमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी को प्रदान करना होता है। पेमेंट गेटवे के कितने प्रकार हैं वो आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से कि पेमेंट गेटवे क्या होता है और आपका ई पेमेंट क्या होता है, ई कॉमर्स पेमेंट, और बाकी बात इसके कहाँ कहाँ खतरे हो सकते हैं, तो धोखाधड़ी हो सकता है, ठीक है, भुगतान संघर्ष का जोखिम हो सकता है, ई कैश हो सकते हैं, तो बहुत सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो वो सारे के बारे में लिख लीजिएगा। और इधर कोई इम्पोर्टेंट बस उसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, उसमें से दो क्वेश्चन लगभग ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं लेसन नंबर 2 से। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई पेमेंट क्या होता है, ठीक है, इसी के बारे में पूरा डिटेल पूछेगा कि ई पेमेंट क्या होता है, ई पेमेंट क्या तरीके से कर सकते हैं, ई पेमेंट का एडवांटेज क्या है, ई पेमेंट के बारे में पूरा एकदम डिटेल पूछ देगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि गेटवे क्या होता है, ठीक है, गेटवे के बारे में पूछ देगा कि गेटवे क्या होता है, ये दो तीन क्वेश्चन उसमें हैं, गेटवे क्या होता है, गेटवे कई प्रकार होते हैं, गेटवे क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकती है उसमें। हाँ, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, सभी लोग भाई क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोग के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं जिससे कि और स्टूडेंट आकर इस वीडियो को देख सकें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब क्या, इसके सिद्धांत है, किस तरह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बस दो ही चैप्टर मतलब रहने दें या फिर और पढ़ा दें, 1 घंटे हो गए लगभग, एक चैप्टर और हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक चैप्टर और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए और बढ़ा देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का क्या तात्पर्य होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वस्तु जो हमारे पास वस्तु होती है उनको सेवाएं देना, लेन देन करना, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, और इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वेबसाइट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अप्लीकेशन, इन सभी सारे चीज़ों से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप अपने मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर लैपटॉप जो भी चीज़ें हैं वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना। लगभग 1980 के दशक में डिजिटल मार्केटिंग को स्थापित किया गया था, ठीक है, इसमें सर्वप्रथम कुछ प्रयास किए गए थे परंतु यह संभव नहीं हो सका था, लेकिन अब जाके बहुत ज़्यादा संभव है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत में। तो डिजिटल मार्केटिंग हम वस्तुओं का लेन देन करने के लिए बनाए गए हैं। अब इसकी आवश्यकता आज क्यों है ये देखिएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज का समाज समय अल्प से जूझ रहा है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आवश्यक हो गया है। हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है तथा इसका उपयोग हर स्थान पर आसानी से कर सकता है। अगर आप किसी से मिलने को कहो तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है, परंतु सोशल साइट पर उसे आपसे बात करने की कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग इस दौर में अपनी जगह बना रहा है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरत है, आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि एक आपके पास दोस्त है, आप इसको बोलेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ बातचीत करते हैं, तो ये आप इसके पास कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है हम नहीं आ सकते। लेकिन यही अगर आपको फ़ोन से बात करें
तो वो वहाँ पे बात कर सकते हो, क्योंकि उसको वहाँ जाने का मन नहीं करता। ठीक, तो अपने स्थान से रहकर आपसे बात कर लेता है। तो यही होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, इसीलिए ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी प्रकार की ऑनलाइन चीज़ों की ज़रूरत है तो ऑनलाइन आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं इसके अंतर्गत में, घर बैठे बैठे। आप लोग को जैसे कि किसी दुकान के पास जाने का मन नहीं है, तो घर बैठे बैठे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग घर बैठे बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं, जो वस्तु खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी ये सारी चीज़ों को देखते हुए, तो इसको बनाया गया है। हाँ पता है, कल एग्ज़ाम है, तो डोंट वरी, आपको 10 बजे रात तक पढ़ाया जाएगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के टाइप की। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे टाइप से की जाती है। पहला दिया गया है SEO, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आपने यदि कोई वेबसाइट बनाना बनाए हैं, तो उस वेबसाइट को, ठीक है, जैसे कि आपने गूगल पे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझा देता हूँ। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे समझेंगे कि टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने का बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला हमारा तरीका जो दिया गया है वो SEO दिया गया है। ठीक है, SEO क्या होता है, SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या काम क्या करता है कि आप जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, गूगल पे आप सर्च किए SEO, व्हाट इज SEO, कुछ भी सर्च किए, मान लेते हैं हम SEO ही सर्च किए कि SEO क्या होता है, तो गूगल जो है उन वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाएगा, सबसे ऊपर शो करता है उन वेबसाइट को, जो वेबसाइट SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसका सबसे अच्छा होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत में वो वेबसाइट हमें सबसे ऊपर दिखे जाते हैं जिनकी SEO सबसे अच्छी होती है। अगर उसकी SEO अच्छी नहीं है तो वो हमारे सर्च में नहीं आएगा, और आएगा भी तो सबसे नीचे आपको शो होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी का वीडियो जो है यूट्यूब पे पहले आ जाता है और किसी का नहीं आता। तो जिसका वीडियो अच्छी आती है, ठीक, तो उसमें SEO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज किए गए होते हैं, और ये काफ़ी बेहतर तरीके से किए गए होते हैं। इसलिए क्या होता है, उसके गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं, इसलिए उसकी जो वेबसाइट है वो उसके पास आता है और उसको लोग विजिट करते हैं। जो वेबसाइट बार बार विजिट की जाती है वो आपको सबसे पहले दिखेगी, ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके माध्यम से आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के परिणाम पर सबसे ऊपर जगह दिलाता है, जिसके दर्शक को संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को कीवर्ड या SEO गाइडलाइन के अनुसार बनाने चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, कोई बता सकता है कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड, ठीक, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब है कि जैसे कि अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने सबसे पहले देखे होंगे टाइटल में लिखे हैं कि लाइव क्लासेज। ठीक है, आप टाइटल में देख लीजिएगा, अभी आप लोग देख रहे हैं, नीचे देखिए लिखा है लाइव क्लास। ठीक है, और लिखा है वहाँ पे ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसके बाद लिखा है पॉलिटेक्निक 4 सेमेस्टर। तो इसका मतलब है कि जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक, वो यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे, और उनका जो क्लास चल रहा है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की चल रही है। अगर हम यही दूसरे नाम से यहाँ पे लिखे रहते कि आज जैसे कि कल आपका DBMS है, तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास चलाते, या फिर से DBMS का चलाते क्लास, वहाँ पे हमने लिख दिए चला रहे हैं हम इसी का, ई कॉमर्स का ही क्लास चला रहे हैं, लेकिन हमने DBMS लिख दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे, क्योंकि DBMS तो आपने पढ़ लिया है, तो आप सोचेंगे कि DBMS का क्लास चला रहे हैं तो हम क्यों जाए,
हमारा तो ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स होना चाहिए। तो कीवर्ड जो हमने वहाँ पे डाले हैं, जो टाइटल डाले हैं, वही हमारा कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे एसईओ के अंतर्गत में अगर आपको एसईओ में अपने जो वेबसाइट बनाए हैं उसको सबसे ऊपर लाने हैं, ठीक है, सर्च में लाने हैं, तो आप एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, जिसकी रैंकिंग सबसे पहले होगी उसको ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहता है। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया क्या होता है, तो सोशल मीडिया आप सभी लोग जानते ही हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। तो सोशल मीडिया जो है कई वेबसाइट से मिलकर बने होते हैं, हमारा जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्ड हो गया, और हमारा यूट्यूब हो गया। तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी हम लोग अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को देख पाते हैं। तो सोशल मीडिया से हमारा ये मार्केटिंग हो रहा है। अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट को, जैसे कि हम अभी ई कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, एक तो बिजनेस कर ले रहे हैं आसानी से, मैंने इससे हमको पैसा भी मिल पा रहा है, आप लोग को नॉलेज भी मिल पा रहा है, आपसे पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ई मार्केटिंग सोचिए कितना आसान है, ठीक है। दूसरा है ई मेल मार्केटिंग। अब ई मेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो आप लोग, आपसे भी वो पता होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं प्रमोशन करने के लिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनको प्रमोशन करने के लिए हमारा क्या ई मेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। इसमें जैसे कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए, जैसे कि आपके पास 1 मिलियन के सब्सक्राइबर हो गए, तो कोई आपको बड़ी कंपनी जो है आपको फ़ोन नहीं करती है, क्या नहीं करती, फ़ोन नहीं करती, ठीक है, फ़ोन नहीं करती है, और इसमें क्या करती है, मेल करती है, क्या करती है, मेल करती है, और मेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, और आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसका वो अपना चार्ज देती है। तो आप अपने अनुसार चार्ज कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से अपने अनुसार चार्ज कर सकते हैं ई मार्केटिंग, ई मेल मार्केटिंग के अंतर्गत में। तो आई होप कि यहाँ पे ई मेल मार्केटिंग किस तरह से होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। बड़े बड़े कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं। अगला यूट्यूब है, तो यूट्यूब के बारे में हमको नहीं लगता कि हमको बताने की ज़रूरत है कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब चैनल क्या होता है, क्योंकि आप उसी पे अभी वीडियो देख रहे हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग करने का तरीका है। आर्टिफिशियल, यहाँ पे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि इसमें हम अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को लिंक के माध्यम से हमारे जो उत्पादक हैं या फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वेबसाइट बनाए, अब इस वेबसाइट में हम अपनी जो चीज़ सेल करना चाहते हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट का पिक कर लगा देंगे। जैसे कि अमेज़ॉन का वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट का साइट है, तो ये आप क्या करते हैं, ये अपने साइट पे जो भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने होते हैं उस प्रोडक्ट का वहाँ पे पिक्चर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका मार्केटिंग होता है। ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक। तो ब्लॉग के अंदर में क्या होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर ब्लॉग लिखते हैं, उस वाला ब्लॉग किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे कि हमने बताया एसईओ को आपने सर्च किया, या फिर आप यूट्यूब के बारे में सर्च किया, तो यूट्यूब के बारे में जो आपके कहानी पूरा दिए रहेंगे वही हमारा ब्लॉग कहलाता है। तो ब्लॉग क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पीपीसी मार्केटिंग, पेपर क्लिक, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एप्स मार्केटिंग, ऐप के थ्रू, जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जब जाते हैं तो काफ़ी सारे आपको ऐप देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ऐप के माध्यम से मार्केटिंग नहीं हो रहा है, हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, मैं अभी ऐप का नाम बता रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा वाईफाई, तो वाईफाई का एक ऐप है, ठीक है, वाईफाई चैनल, यूट्यूब चैनल जानते होंगे, उनका एक ऐप है, ठीक है, और फिजिक्स वाला, पीसी, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे यूट्यूब हैं जिनके नाम से जो है प्ले स्टोर पे
क्या है, ऐप बना है, तो उस ऐप पे वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने से क्या करते हैं, उस जैसे कि उनका 6 महीना का कोर्स है तो 6 महीने के लिए वो चार्ज करते हैं, जैसे 4,000 रुपये चार्ज किए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ से उसको मतलब पढ़ाई का क्या कर रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, यानी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐप से भी मार्केटिंग कर पाते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। अब यहाँ पे एक अंतर आएगा कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और SEM, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो आप सभी लोग को पता है कि SEO के जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक ब्लॉगर जो है अपने ब्लॉग पे वेबसाइट को कुछ इस प्रकार ऑप्टिमाइज किया रहता है जो कि उसके ब्लॉग को आर्टिकल सर्च इंजन में रैंक कर सके और वहाँ से अपने ब्लॉग पर फ्री ट्रैफिक ला सके। माने जो ट्रैफिक है उसके लिए कोई उसको चार्ज ना देना पड़े। अगर उसके ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ट्रैफिक लाने का एक तरीका होता है। अगर सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो इसमें मार्केटिंग प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा अपने ब्लॉग या सर्च इंजन में ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं और जिसको ट्रैफिक चाहे आया जाए वो भी फ्री ट्रैफिक, SEO हो या फिर पेड ट्रैफिक, ये दोनों इसमें हो सकते हैं। माने इसमें हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग के अंतर्गत में हम लोग पैसे देकर भी ट्रैफिक को ला सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट होते हैं। अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका गूगल एडवर्ड। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है गूगल एडवर्ड क्या होता है। इसको हम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है, और आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिएगा। गूगल एडवर्ड जो होता है वो जैसे कि आप कोई साइट बनाए, ठीक है, कोई साइट बनाते हैं तो उस साइट पे आप ब्लॉग लिखते हैं। अब ब्लॉग वो किसी टाइप का हो सकता है, ठीक है, तो वो जो ब्लॉग लिखते हैं ब्लॉग में आप क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं। क्या चलाते हैं, ऐड चलाते हैं। अब ये भी ना समझ में आए तो एक चीज़ और समझा देते हैं, यूट्यूब जिस पर कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आप वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग क्या ऐड देखे होंगे। आप सबसे पहले क्या देखे होंगे, ऐड देखे होंगे। तो जो ऐड आया था, ठीक है, वो किसके थ्रू आया था, गूगल एडवर्ड के थ्रू आया था। हमने गूगल एडवर्ड को क्या किया है, एनेबल किया है, तब आपको ऐड दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमारा एडवर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा पहले से जो ब्लॉग होते हैं, जो साइट होते हैं, उसमें ऐड लगाए गए होते हैं, ठीक है, तो ऐड के थ्रू हमारा गूगल एडवर्ड किया जाता है। तो हमारा जो ऐड होता है वो क्या करता है, लोगों तक हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको पहुंचाने का काम करता है। अब ये बातें आप लोग समझिए कि हमारी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक, तो हम अपनी यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक, तो पढ़ाने का काम करते हैं। तो हमें यदि अगर कोई प्रमोशन करता है, यदि कोई प्रमोशन करवाता है, अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करवाता है, तो या तो वो पढ़ाई से रिलेटेड होगा या कोई इस तरह से पढ़ाई की सेलिंग से रिलेटेड हो सकता है। माने किसी को नोट्स चाहिए या फिर किसी को बुक्स चाहिए, तो इस तरह के चीज़ों को क्या करेगा, वो हमें देगा सेलिंग करने के लिए। तो वही हमारा एडवर्ड, गूगल एडवर्ड होता है कि हम लोग ऐड लगाते हैं और उस ऐड का जो है उसको पैसा मिलता है, ठीक। तो गूगल एडवर्ड जो है यही होता है और ये हमारे साइड पे स्थित होते हैं, जो गूगल के साइड होते हैं वहीं पे स्थित होते हैं, वहीं पे हमको ऐड शो होते हैं। ट्रैफिक जब आते हैं, काफ़ी लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक आता है, तो वहीं पर हम लोग को ऐड देखने को मिलते हैं। तो वही हमारा गूगल एडवर्ड्स होता है। जैसे कि आपने एक पेज खोला, उस पेज में कोई भी चीज़ सर्च किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड दिया है, तो ऐड को विजिट करेंगे, ठीक है, तो उस विजिट जो ऐड दिखाई देता है उसी का क्या होता है, पैसा मिलता है।
बाकी बात कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी इसमें डिफिनेशन दी गई है। तो आपसे अलग अलग पूछ दिया जा सकता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सभी लोग को पता है कि आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक जो देख रहे हैं वो भी है। तो सब चीज़ बता सकते हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है। यूट्यूब क्या है, ठीक। तो यूट्यूब से आप वीडियो देखते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यह एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ करने के लिए यूट्यूब हमको प्रदान करता है। हम इससे पैसे कमा सकते हैं, मार्केटिंग ला सकते हैं यूट्यूब को, यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें करने के लिए दिए गए हैं। तो इसमें खास कुछ और नहीं है, मार्केटिंग से रिलेटेड था जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोग को वहाँ पे बता दिए शुरू में। डिजिटल मार्केटिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा, तो इसको कोई भी मिस नहीं करेगा। डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर पढ़ लेगा, वो भी विधिवत तरीके से, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ लेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब लिखने होते हैं तो वहाँ पे जब लिखने होते हैं तो आप लिख नहीं पाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टारगेटिंग मार्केटिंग क्या होता है, सॉरी टारगेट मार्केटिंग क्या होता है। तो टारगेट मार्केटिंग के अंतर्गत में हम लोग इस तरह के मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी होती है जो उत्पाद करती है, तो हम लोग किस तरह से जो हमारे पास पीपुल हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत में इस तरह की मार्केटिंग होती है। जैसे कि आप गूगल की ही बात करें तो गूगल जो है, गूगल के पास पैसा फर नहीं रहा। गूगल के पास पैसा कहाँ से आता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती है, गूगल को पैसा देती है। क्यों देती है, क्योंकि आप लोग जो भी अपने मोबाइल फ़ोन में, जैसे आपने आज सोच लिया कि हमको एक जूता ख़रीदना है, तो आप अपने मोबाइल के सामने कभी जूता बोल दिया, कभी जूता सर्च कर दिए, ठीक है, तो वो आपको बार बार दिखाई देगा। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो जूता आपको बार बार दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, ये टारगेट मार्केटिंग होता है। अगर टारगेट मार्केटिंग ना हो, ठीक है, तो आपको जूता नहीं दिखाई देता। तो जो गूगल है वो आपको क्या करता है, टारगेट करवाता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको दिखाता है जिससे कि आप अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन होने से आप उस चीज़ को खरीदें। तो ख़रीदने का जो बार बार आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, वो होता है टारगेटिंग मार्केटिंग। इस तरह से टारगेट करके मार्केटिंग की जाती है। अब एक सिंपल वे में और मैं बता देता हूँ टारगेटिंग मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कि अगर अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी कल एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर वालों का, ठीक है, कल एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का। अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को अभी पढ़ाएंगे, सॉरी सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो ये इसमें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भी तो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ेंगे, 2-3-4-5 स्टूडेंट पढ़ेंगे। अभी हमको पता है कि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इनका एग्ज़ाम है। तो ये होता है टारगेट मार्केटिंग। तो हमने टारगेट किया कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने ये टारगेट किया। तो ये होता है हमारा टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक करेंगे और चैनल पर जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो टारगेट मार्केटिंग ये होता है। ब्लॉग, ब्लॉग के बारे में हमने बताया ही कि ब्लॉग क्या होता है। जैसे कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो चीज़ लिख सकते हैं, या जो जो चीज़ पहले से डिफाइन है उसको लिख सकते हैं। ब्लॉग के अंतर्गत में क्या होता है, ब्लॉग का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप वीडियो बना रहे हैं वो ब्लॉग, दूसरा ब्लॉग होता है, वो VLOG होता है, ठीक, जो कि वीडियो बना, वीडियो यूट्यूब पे बनाई जाती है, ये ब्लॉग होता है। और ये ब्लॉग जो है वो साइड पे होता है जो गूगल पे आपको देखने को मिलता है। गूगल पे आप गए और सर्च किया ब्लॉग क्या होता है, या फिर सर्च किया कि महात्मा गांधी क्या है, या डॉक्टर APJ अब्दुल का नाम सुना होगा, नरेंद्र मोदी का नाम सुना होगा, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं उनके बारे में सुना होगा, या फिर कुछ भी चीज़ सर्च जो आपने किया, ठीक, तो वो सर्च जो किया अब उसके बारे में विकिपीडिया जो आ जाती है आपके पास, एक पेज खुल के आ जाता है, तो पूरा उसमें ब्यूरोट दिया गया होता है। तो जो ब्यूरोट डाला गया होता है वो ब्लॉग के थ्रू डाला गया होता है, उसी को ब्लॉग कहते हैं, ठीक। तो ब्लॉग क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको एक अच्छी ब्लॉग लिखने आती है तो आप करोड़ों में पैसा कमा सकते हैं।
ब्लॉग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एडमिन मतलब पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंट होता है वो दोनों चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, मैं समझा देता हूँ। देखिए ये जो ब्लॉग होता है वेबसाइट के अंदर लिखे जाते हैं। वेबसाइट क्या होते हैं, वेबसाइट जो है हम लोग HTML JavaScript ये सारी प्रोग्राम को लेकर हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। तो वेबसाइट के अंदर जो है, वेबसाइट जो है इसके अंदर हम लोग ब्लॉग को लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग के अंदर वेबसाइट लिखते हैं, जो हमारा वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर जो हमारे वेबसाइट बनाए जाते हैं उस वेबसाइट के अंदर ब्लॉग को लिखे जाते हैं। तो ब्लॉग ये होता है और वेबसाइट ये होता है, जो कि हम लोग HTML CSS ये सारे प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज करके बनाते हैं। वेबसाइट जो है कई कंपनियों द्वारा बनाकर इसको चलाई जाती है गूगल पे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ जो होती हैं जो कि वेबसाइट को बनाती है, उस वेबसाइट पे जो चीज़ मैटर लिखा होता है वो मैटर हमारा ब्लॉग कहलाता है। IMD का क्लास चलेगा अंजलि जी? अभी चलेगी लेकिन थोड़ी सी लेट में चलेगी, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, तो जैसे कि आप YouTube पे जो अभी वीडियो देख रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल हैं जो कि वीडियो बना कर अपने YouTube पे वीडियो शेयरिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं, उस माध्यम से प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं। अब जैसे 2 या 3 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड का हमने एक वीडियो बनाया, उसमें प्रचार करते हैं। आपको देखते होंगे TV पे प्रचार आता है तो उसमें वीडियो बना रहता है किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए, तो वो वीडियो मार्केटिंग होता है कि वीडियो के तरह मार्केटिंग की जाती है वीडियो पे बनाकर कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो तो इस नंबर पे कॉल करें, तो उस पर आपको लाइव शो होता है, आप वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर देते हैं, ठीक। तो इसमें हमने जो व्यूवर्स होते हैं उसको टारगेट डायरेक्ट कर पाते हैं वीडियो मार्केटिंग की वजह से। यहाँ पे देखिए YouTube क्या होता है, YouTube को किस तरह से हम लोग अकाउंट बना सकते हैं, तो YouTube ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ईमेल मार्केटिंग हमने बता दिया, बाकी बात इधर सारी चीज़ें हमने बता दिए हैं, वही चीज़ से आपसे बार बार पूछा जाएगा, बस एक लॉन्ग में पूछा जाएगा एक शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो आपको सारे लॉन्ग में लिखने हैं, जितना हो सके आप लिख सकते हैं, ठीक। तो लेसन नंबर 3 तक हमने कम्प्लीट करा दिया है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इधर ज़्यादा नहीं है, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा SEO क्या होता है, जो कि अभी हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बस अभी के लिए इतना ही, अब नाइट में मिलते हैं, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए लेसन नंबर 4 जो है हम यहाँ पे खोल लिए हैं, हमने बताए थे कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं SEO के बारे में, जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस लिए हमारा उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट में हमने बताए थे आप सभी लोग कि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, SEO जो होता है, वो बेसिकली क्या काम करता है कि जो हमारे साइड होते हैं, जो हम साइड बनाते हैं जिसपे कि ब्लॉग लिखते हैं, उस साइड को सबसे टॉप पे माने सबसे ऊपर लाने के लिए हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम अपनी पोस्ट या पेज को किसी भी सर्च इंजन पे टॉप में लाते हैं, ठीक है, या रैंक कराते हैं। गूगल पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, इसके अलावा बिंग हो गया या याहू हो गया, ठीक है,
जैसे भी सर्च इंजन मौजूद हैं जो कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम अपने ब्लॉग को सभी सर्च इंजन पे नंबर वन पोजीशन पे रख सकते हैं। अगर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतर है तो आप अपनी जो साइट को बनाएंगे उसमें ऑडियंस रीच जो होती है उसको काफ़ी ज़्यादा ला सकते हैं। ऑडियंस रीच क्या होता है, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं या सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग होते हैं अगर एक साइट को बार बार खोलते हैं तो काफ़ी लोग पब्लिक आते हैं, काफ़ी यदि पब्लिक आते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑडियंस रीच बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, हमारा एक जैसे कोई भी एक साइट मान लेंगे, ठीक है, कोई भी आप एक वेब पेज बना लिए जिस पे कि अपना ब्लॉग लिखे हैं, अब उस वेब पेज को आपको सबसे टॉप पे लाना है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग को एक क्लियर हो गया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, क्या होता है, ठीक है, ये हमने दूसरी बार बता दिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके यहाँ पे मेन जो है वो दो टाइप होते हैं, वैसे यहाँ पे तीन दिए गए हैं लेकिन मेन जो है दो है। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज SEO, क्या बोलते हैं, ऑन पेज SEO, और दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं ऑफ पेज SEO, ठीक है। एक हमारा एक्स्ट्रा है लोकल SEO, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ऑन पेज SEO क्या होता है और ऑफ पेज SEO क्या होता है, ठीक है। प्रिया कुशवाहा सर प्लीज़ सी प्रोग्रामिंग की क्लास चलाइए। सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम कब है एक बार कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग का क्लास हम चला देंगे लेकिन कब है आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि एग्ज़ाम कब है। मैं तो सेकेंड सेमेस्टर को भूल ही गया था, अभी आपने कमेंट किया है तो चलिए सर 4 को है, ओके ओके 4 को है, कोई दिक्कत नहीं हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को है तो हम करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यानी SEO के अंतर्गत में याद रखेंगे कि दो टाइप से हमारे SEO होते हैं। पहला जो होता है वो ऑन पेज होता है, कैसा होता है, ऑन पेज होता है, और दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं ऑफ पेज। एक हमारा यहाँ पे इंस्टा दिया है, इसको भूल जाएंगे क्योंकि दो ही टाइप से होते हैं हमारे प्रति। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ऑन पेज SEO क्या होता है। तो SEO के रूल्स को फॉलो कर अपनी वेबसाइट में टेम्पलेट का इस्तेमाल करना, अच्छे कंटेंट लिखना, साथ ही साथ उनमें अच्छे कीवर्ड का इस्तेमाल करना जो सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से खोजी जाती हो, जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल पेज में सही जगह करना, जैसे कि टाइटल हो गया, मेटा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट हो गया, में कीवर्ड का इस्तेमाल करने से गूगल जानने में आसानी होती है, गूगल करने में आसानी होती है, आपका कंटेंट किसके ऊपर लिखा गया है, और जल्दी अपनी वेबसाइट को गूगल पेज पर रैंक कराने में हेल्प करता है, जिसके आपके ब्लॉग की जो ट्रैफिक होती है वो काफ़ी बढ़ती है। तो ऑन पेज SEO के अंतर्गत में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमारा जो ऑन पेज SEO होता है इसके अंतर्गत में हमें ये देखना होता है कि हमारा जो भी ब्लॉग बना है, जो भी हमारे पास गूगल पेज बने हैं, उसको रैंक करने के लिए हमारे कीवर्ड जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट जो है बहुत ही अच्छे होने चाहिए, हम किस पर्पज के कंटेंट बना रहे हैं, वो लोग खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, हमको ऑडियंस का ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों को सोचकर ऑन पेज SEO के अंतर्गत में लिखे जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया कि ऑन पेज SEO को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम किसी ऐसे टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट को ऑन पेज SEO के तरीके से कर सकते हैं। तो एक हमारा सबसे पहला जो होता है वेबसाइट स्पीड, पहला जो है तरीका वो है वेबसाइट स्पीड। इसमें क्या होता है कि हम वेबसाइट स्पीड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसमें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, दृष्टि से एक सर्वे में पाया गया है कि कोई भी विजिटर, जैसे कि आप या हम कहीं कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकेंड तक ही ब्लॉग या वेबसाइट पे रहते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ खोजते हो, आप गूगल पे गए, ठीक है, ये आपका गूगल बाबा है, आप इसके पास गए और आपने सर्च किया कि कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसको सर्च किया कि
ये क्या होता है, जैसे कि आपने सर्च किया कि वेबसाइट क्या होता है, तो जो टॉप पे आया, सबसे ऊपर साइड में आया, उसको आप क्लिक किए। क्लिक करने के बाद वो पूरा आपका विकिपीडिया का जो है रिजल्ट आ जाएगा कि ये क्या क्या है, इसके बारे में वेबसाइट क्या होता है। अब यदि अगर वो वेबसाइट आपको पसंद आती है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम तक व्यक्त करते हैं। अगर आपके पास वो पसंद नहीं आया, वो साइट आपको पसंद नहीं आया, तो क्या करेंगे, तुरंत से बैक आते हैं और दूसरा साइट खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट के स्पीड इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑन पेज SEO कैसे काम करता है, उसका एक तरीका है। टाइटल होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, टाइटल अच्छे से होना चाहिए। हमारा जो URL है पोस्ट करने का, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। इंटरनल लिंक होना चाहिए, अलर्ट टैग होना चाहिए, कंटेंट हैंडलिंग और कीवर्ड, ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है ऑफ पेज SEO। हाँ, स्मृति पांडे अगर बैक लगा होगा, PHP क्लास चलेगी, जिनका भी बैक है बैक का क्लास चलेगा, डोंट वरी, 18 तक क्लास चलेगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात किया ऑन पेज SEO की। ठीक है, तो ऑफ पेज अब बात करेंगे। ऑन पेज SEO के बारे में हमने समझ लिया कि वो क्या होता है, उसमें हम लोग को टाइटल टैग ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफ पेज SEO की, तो ये सारा काम ब्लॉग के बाहर होता है, जो कि ऑफ पेज SEO में हम अपने ब्लॉग को प्रमोशन करना होता है। जैसे कि आपने कोई ब्लॉग लिखा है, आप एक कोई वेबसाइट बना लिए, अब वो वेबसाइट क्या हो रहा है कि आपका सर्च लाइन में आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, उनका चैनल ग्रो नहीं होता इसलिए छोड़ देते हैं। फेसबुक पे काम करते हैं, ग्रो नहीं होता तो छोड़ देते हैं। ट्विटर पे काम करते हैं, ग्रो नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। उसी तरह एक साइट बनाते हैं, साइट में ग्रो नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऑफ पेज SEO का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि आप यदि अपने ब्लॉग जो आपने वेबसाइट में लिखा है, उस वेबसाइट को यदि आप प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप ऑफ पेज SEO के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे ऑप्शन भी दिए रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल लिखे होते हैं तो आर्टिकल के नीचे आप अपना एक कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, वेबसाइट लिंक सबमिट करने का एक ऑप्शन मिलता है, आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे डाल सकते हैं। यदि किसी को पसंद आता है तो वो क्या करेगा, आपके वेबसाइट को क्लिक करके आपके जो ब्लॉग लिखे गए हैं वो आपको वहाँ पे देख सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह के बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो वो वेबसाइट वो आपको क्लिक करके देख सकता है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप एक YouTube चैनल बनाए, अब YouTube चैनल बनाने के बाद नए नए जब कोई YouTube पे आता है तो यही करता है, YouTube चैनल बनाए और इसमें एक आपको लिंक मिल जाता है शेयर करने का, तो उस लिंक को कॉपी करके अपने Facebook पे डालेंगे, Twitter पे डालेंगे, नहीं तो और जितने Instagram हो गए, WhatsApp हो गए, वो सारी चीज़ों पे भेजते हैं। तो ये जो हम लोग करते काम है, ये ऑफ पेज SEO के अंतर्गत में करते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो ऑफ पेज होते हैं उसमें ये चीज़ें करते हैं। और ऑन पेज में हमने बताया ही कि ऑन पेज SEO जो होता है उसके अंतर्गत में हम अच्छे से कीवर्ड, टाइटल, कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे काम करता है, कौन कौन से चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ऑफ पेज SEO के अंतर्गत में हमारा जो चीज़ आता है वो आता है सर्च इंजन सबमिशन। तो सर्च इंजन किस तरह से हम लोग सबमिट कर सकते हैं, बुक मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा जो भी ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगा, पेज को किस तरह से पोस्ट करना है, ये सारी चीज़ें सबमिट करना सीख सकते हैं। डायरेक्टली सबमिशन होता है जिसमें कि ब्लॉग या वेबसाइट को पॉपुलर हाई डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन सबमिशन कर सकते हैं, मैंने अलग अलग इसको भेज सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका लोकल SEO होता है, तो लोकल SEO क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कोई भाग नहीं है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई भाग नहीं है, बट एक लोकल SEO ऐसे ही बनाया गया है, तो इसको समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला तो लोकल और दूसरा हमारा SEO, यानी ये हमारे लोकल में काम करते हैं।
कहने का मतलब है कि किसी लोकल ऑडियंस को ध्यान में रखकर किए जाने वाला SEO लोकल SEO कहलाता है। जैसे कोई लोकल SEO मतलब लोकल ऑडियंस है जिसको कि आप जानते हैं, तो उसके लिए आपको अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने हैं तो उसके लिए हम लोग लोकल SEO का इस्तेमाल करते हैं। यह जो टेक्निक होती है इसकी हम लोग किसी वेबसाइट या ब्लॉग को ख़ास तौर पर ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि लोकल ऑडियंस जो है उसको अपने पास लाने के लिए लोकल SEO का इस्तेमाल करते हैं। इसका ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, ठीक है? तो सर्च इंजन काफ़ी सारे हैं, जो मेन है दो तीन ठो आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि गूगल, तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बिंग हो गया, ठीक है, याहू हो गया, ASK.com हो गया, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। आई होप कि आपने नाम सुना होगा। अब देखिए सर्च इंजन जो है कैसे काम करता है ये लिख लेंगे, तो इसमें इम्पोर्टेंट एक बार सभी लोग लिख लेंगे कि SEO क्या होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और टाइप ऑफ SEO, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप होते हैं जो दो टाइप से होते हैं, पहला तो ऑन पेज और दूसरा क्या होता है, ऑफ पेज, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग भाई ये याद करके रखेंगे। चलिए अब सर्च इंजन कैसे काम करता है इसको समझते हैं फटाफट से। तो जो भी सवाल टेक्स्ट शब्द में अपने ब्राउजर के सर्च इंजन में सर्च में लिखा जाता है उनको कीवर्ड बोला जाता है। माने आप गूगल पे जो भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि आप लिखे सरकारी, ठीक है, सरकारी रिजल्ट, तो जो आपने सरकारी रिजल्ट लिखा है यह एक प्रकार का क्या हो गया, यह एक प्रकार का हमारा कीवर्ड होता है। अगर आप गूगल में व्हाट इज सर्च इंजन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह एक क्या है, कीवर्ड है। सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ये कीवर्ड लिखते हैं। कीवर्ड को वर्ल्ड वाइड वेब में ढूंढा जाता है, यानी www जो आप पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जिससे कि कीवर्ड कोई वेबसाइट के टाइटल या आर्टिकल के कंटेंट के साथ मैच हो जाता है। माने कि ये पहले से ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि क्या किया रहता है, गूगल पे उस साइट को यानी उस आर्टिकल को पहले से लिखा रहता है, उस कंटेंट को लिखा रहता है जिसके साथ वो मैच हो जाता है, और टैग के साथ जब मैच होता है तो हमारा जो सर्च रिजल्ट है वो हमारे सामने शो हो जाता है। जैसे कि आपने हमने क्या बताया आप सभी को, हमने ये बताया कि आप गूगल पे सर्च किए कि सरकारी रिजल्ट, कैसे सर्च किए, सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो सरकारी रिजल्ट जो आपने सर्च किया वो तो हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, यह एक प्रकार का क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। अब ये क्या करेगा कि ये वर्ल्ड वाइड वेब के साथ ढूंढा जाता है, यानी www के साथ ढूंढा जाता है, तो इसमें पहले से कोई व्यक्ति होगा जो कि सरकारी रिजल्ट का एक पूरा वेबसाइट बना के रखा होगा, तो वो आर्टिकल या कंटेंट के साथ क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, ठीक है, मैच हो जाता है, तो उसमें URL ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, ठीक है, जिससे टैग के साथ क्या हो जाता है, इसके मैच हो जाते हैं। सरकारी रिजल्ट का कोई टैग डाला होगा तो उसके साथ मैच हो जाएगा, तो फिर ये सरकारी रिजल्ट जो है वो सर्च रिजल्ट में शो कर देता है और हमारे पास जो है एक पूरा पेज खुल जाता है। तो वही इसी तरह से हमारा सर्च इंजन काम करता है। अगर सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितने लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फटाफट से सभी लोग लाइक का एम करते हैं, 100 पार होना चाहिए, फटाफट से सभी लोग भाई लाइक करेंगे क्लास को। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है, और इधर आपका लग कोई नहीं रहा कि इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, कीवर्ड क्या होते हैं, तो आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे वही आप कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे डोमेन किसे कहते हैं थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डोमेन नेम होता है वो एक प्रकार का एक ऐसी होती है जिसको हम लोग को पैसे से खरीदने होते हैं। जैसे कि आप एक अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई भी एक क्या बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे कि www या फिर HTTP, ठीक है, HTTP www
और यहाँ पे आप कोई अपना नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आरके स्टडी, ठीक है 2.0, इस नाम का कोई साइट बना रहे हैं, ठीक। तो अगर आप इस तरह का कोई एक साइट बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपका नाम हो, आपके चैनल का नाम हो या आपके कुछ इस तरह से हो, तो ये इसके लिए आपको क्या होता है, डोमेन नेम ख़रीदने होते हैं, जिसका आपको पैसे पेमेंट करके ख़रीदने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डोमेन, जिसको हम लोग पैसे से कॉस्ट से ख़रीदने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खुद का होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक संख्यात्मक पता होता है जो कि आपके द्वारा किए जा रहे इंटरनेट ब्राउजर को बताता है कि वेबसाइट इंटरफेस किस सर्वर लोकेशन पे होस्ट की गई होती है। यहाँ पे ब्राउजर किसी वेबसाइट या डोमेन नाम लिखकर सर्च करते हैं तो यह डोमेन वेबसाइट या सर्वर वास्तविक में आईपी एड्रेस को की ओर इशारा करता है। तो जो हमारा डोमेन है वो एक आईपी एड्रेस की तरह ही होता है, बट इसको हम लोग को क्या करने होते हैं, परचेज करने होते हैं। जिस नाम से आप बनवाना चाहते हैं उस नाम से डोमेन बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का अपना अपना डोमेन नाम होता है, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो डॉट इन का प्रयोग करता है, यानी इंडिया डॉट इन का मतलब हो गया इंडिया का प्रयोग करता है। डॉट कॉम होता है, तो बहुत सारे कंपनी होते हैं जो कि यूज करते हैं डॉट कॉम का। अब गूगल भी यूज करता है, आप सभी लोग को ईमेल भी यूज करता है डॉट कॉम। आप लोग कुछ भी अपना नाम लिखते हैं, फिर जीमेल लिखते हैं, डॉट कॉम लिखते हैं, तो डॉट कॉम जो है वो ईमेल यूज करता है, ठीक है। तो इसकी एक कंपनी होगी, वो यूज करता है। अब यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऐसे नाम है डोमेन का, जैसे कि यहाँ डॉट नेट हो गया, डॉट नेट, इसका यूज हम लोग नेटवर्क के लिए करते हैं। डॉट edu, तो इस जब लास्ट में वेबसाइट में देखते होंगे तो ये एडुकेशन के लिए यूज किया जाता है। info, ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। .org, ये हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। .gov, गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। .biz, हम लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम हैं जिसको आप ले सकते हैं और अपने लास्ट में ये रख सकते हैं। यहाँ पे पूरा लोकल एसईओ के बारे में दिया गया है, तो लोकल एसईओ के बारे में हमने बता ही दिए। तो लेसन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया, उससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एसईओ के बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन है, लोकल एसईओ क्या होता है और कीवर्ड क्या होते हैं, यही सारे पूछे जाएंगे और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछे जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पर है गूगल एडवर्ड। अब ये गूगल एडवर्ड क्या होता है, ये भी हमने आपको छोटे फॉर्म में बताए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा इतिहास है तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लेसन नंबर 5 में हमारा जो है गूगल एडवर्ड क्या होता है। गूगल एडवर्ड एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी वेबसाइट होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में गूगल एडवर्ड के थ्रू हम पैसे को कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करता है कि हमको पैसे भुगतान करता है, एक भुगतान करने का एक तरीका होता है। तो आप जैसे कि कोई गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट को आप खोलते हैं तो आपको उस वेबसाइट का पूरा ब्यूरर तो मिल जाता है, लेकिन आप देखते होंगे बीच बीच में ऐड चलते रहता है। क्या चलता रहता है, ऐड चलते रहता है। तो किसके थ्रू होता है, गूगल एडवर्ड के थ्रू होता है। आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो YouTube पे आपका सबसे पहले जो ऐड आया था वो किसके थ्रू आया था, गूगल एडवर्ड के थ्रू आया था। हम अगर पैसे कमा रहे हैं YouTube पे पढ़ाकर तो किसके थ्रू, गूगल एडवर्ड के थ्रू, क्योंकि हमने गूगल एडवर्ड का फॉर्म भरा था, गूगल एडवर्ड ने हमको एक्सेप्ट किया कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो इसने हमें को एलिजिबल किया, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, इनकम कर पा रहे हैं। तो गूगल एडवर्ड एक ऐसा साधन होता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस के थ्रू। तो ये ऑनलाइन पैसे कमाने का एक साधन होता है गूगल एडवर्ड। अब ये गूगल एडवर्ड कैसे आते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखे गए हैं, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गूगल एडवर्ड एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पे कंपनियाँ कीवर्ड के आधार पे अपनी वेबसाइट को शीर्ष ऑर्गेनिक खोज परिणाम के साथ सही स्थान देने के लिए भुगतान करती है। गूगल एडवर्ड जो कराता है, यानी जो ऐड लगवाते हैं, जो कंपनियाँ ऐड लगवाएंगी वो पैसा देती हैं, ठीक है, क्या करेंगी, पैसा देंगी। जैसे
मान लीजिए टाटा कंपनी है, कौन सी कंपनी है, टाटा कंपनी है। अब ये टाटा कंपनी जो है वो टाटा की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहती है, सेल करना चाहती है, वो नया नया लॉन्च किया है तो वो सेल करना चाहती है, तो वो क्या करेगा कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं यानी जो बड़े बड़े वेबसाइट बना के रखे हैं, अगर उनके सामने आपको गूगल एडवर्ड लगाना है यानी ऐड लगाने हैं, या फिर कोई बड़े यूट्यूबर हैं उनके सामने आपको ऐड लगवाने हैं, तो उसके लिए जो टाटा कंपनी है ये उसके लिए उसको गूगल एडवर्ड को क्या करती है, पैसा देती है। तो गूगल एडवर्ड जो होता है ये क्या काम करती है कि जिस जिस साइड पे गूगल एडवर्ड चलता है यानी ऐड जो चलता है, वो गूगल एडवर्ड क्या करता है कि 40% जो है पैसा रख लेता है और 60% उसको देता है जिसका वो साइड से ऐड चलता है। ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जो ऐड चल रहा है इसमें क्या होता है कि यूट्यूब जो है 40% पैसा अपने पास रख लेता है और जो 60% पैसे हैं वो सिर्फ ऑडियो मतलब जिसका चैनल है उसको देता है। तो ये गूगल एडवर्ड होता है जहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करती है और अपनी वेबसाइट से अपनी जो जो भी कंपनियाँ हैं जो नई चीज़ों को लॉन्च करती है वो वहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। तो ये काम होता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि गूगल एडवर्ड क्या होता है। अब इसके बारे में समझते हैं कि मूल सा यह है कि किसी आप कीवर्ड के आधार पे अपने ब्रांड का प्रचार करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आप किसी ब्रांड का प्रचार करते हैं, कीवर्ड शब्द का वाकेंस जिस पे उपयोगकर्ता खोज करता होता है, फिर आपका विज्ञापन कौन देखता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब क्या है, ऐड। ठीक है, ऐड को ही मतलब हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं। तो आप जो जो उपयोगकर्ता होता है जो कि सर्च करता है गूगल पे और उसको ऐड दिखाई देती है, ठीक है, तो अगर वो चीज़ ऐड दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है कि उसी से उसको इनकम होता है, वहीं गूगल एडवर्ड को लगाया गया होता है। तो गूगल आपको विज्ञापनों पर क्लिक गणना करना, प्रत्येक क्लिक के लिए आपको शुल्क लेता है। आप यदि किसी भी विज्ञापन को क्लिक करते हैं तो उसके लिए वो शुल्क लेता है। ठीक है, और यहाँ पे केवल वह संख्या आपको बताती है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा उस खोजकर्ता को खोज करने की विज्ञापन कितनी बार पहले दिखाया जा चुका है वो सारी चीज़ वहाँ पे दिखाती है। इसमें ऐसी वर्ड लिखी गई है ना जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, हमने जो अपने भाषा में बताए हैं वही आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गूगल एडवर्ड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप वेबसाइट से, ठीक है, वीडियो से, यूट्यूब से, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं ऐड के थ्रू। ठीक है, गूगल एडवर्ड कंपनियां क्या हैं, तो यह एक अभियान कंपनी आपको गूगल के खोज परिणाम, वेबसाइट, वीडियो, मोबाइल ऐप, मानचित्रों, खरीदो सूची आदि के विशाल नेटवर्क पर अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने की अनुमति देता है। गूगल एडवर्ड क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन पे अपनी जो उत्पाद करते हैं माने कि जो नया चीज़ बनाते हैं और अपनी सेवाओं को प्रचार करने के लिए अनुमति देता है और इस अनुमति का क्या करता है, गूगल एडवर्ड पैसा लेता है। इसीलिए ऑनलाइन जो पैसे कमा पाते हैं, जैसे देखते होंगे आप इंस्टाग्राम तो बहुत देखते होंगे। ठीक है, अब इंस्टाग्राम का ही आप लोग उदाहरण ले लीजिए, इंस्टाग्राम आप लोग बहुत देखते होंगे तो सब लोग थोड़ी पैसा कमाते हैं जिनके पास 1 लाख से प्लस का सब्सक्राइबर होता है, 1 लाख हो गया, 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, तो वो सब कैसे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए ये जो क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं उनको सेल कराने के लिए क्या करती है, पैसा देती है। तो ये इसको भी पैसा दे सकती है और गूगल एडवर्ड के थ्रू कराना चाहती है तो वहाँ भी दे सकती है। तो जिस कंपनी को जहाँ से सबसे ज़्यादा रीच मिलती है पब्लिक की वो उसको पैसा देती है। तो इसके लिए आप 1,50,000, 10,00,000, 20,00,000 जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है, गूगल एडवर्ड आई होप्स कि यहाँ पे समझ गए होंगे और यहाँ पे कंटेन स्ट्रक्चर दिया गया है क्या होता है और इसमें से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था गूगल एड्स क्या होता है ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ भारी बार बार बता दूँ कि यहाँ पे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग लगा लेंगे गूगल एड्स क्या होता है, इसको पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स, तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे गूगल एनालिटिक्स क्या होता है। अब हम आपको शॉर्टकट में एक चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि आप लोग आसानी भाषा में समझ पाए कि एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो आपको जो डिफिनेशन है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एनालिटिक्स का मतलब होता है, यहाँ पे गूगल छोड़ देंगे, एनालिटिक्स का मतलब होता है रिजल्ट, क्या होता है, या फिर कैलकुलेशन बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई वर्क करते हैं, जैसे कि हमने कोई एक वर्क ले लिया, क्या ले लिया, वर्क लिया, ठीक है, तो इस वर्क को 5 आदमी, ठीक है, 3 दिन में करते हैं। 5 आदमी कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, और इसी वर्क को, क्या, इसी वर्क को 10 आदमी 1 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। ये कोई वर्क है, अब इसी वर्क को 5 आदमी 3 दिन में करते हैं और इसी वर्क को 10 आदमी 1 दिन में करते हैं, तो देखिए कितने दिन का फर्क हो गया, 2 दिन। हमारे पास कितने टाइम बच रहे हैं, 2 दिन। लोग ज़्यादा लग रहे हैं, लग कितने रहे हैं, 5 लग कितने रहे हैं, 5, और हमें दिन कितना हो रहा है, दिन बच रहा है 2 दिन, माने 5 आदमी जब एक्स्ट्रा लगेंगे तो 2 दिन का बच रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एनालिटिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, एनालिटिक्स हो रहा है, यानी हमारे कैलकुलेशन निकल रहे हैं कि हमने जब 10 आदमी लगाए तो 1 दिन में काम हो गया, और जिस दिन 5 आदमी लगाए उस दिन 3 दिन लगा, तो हमारे ये 2 दिन यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 5 आदमी एक्स्ट्रा लग गया, तो ये क्या हो रहा है, एनालिटिक्स हो रहा है, यानी हमारा पूरा कैलकुलेशन हो रहा है कि हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स के अंतर्गत में यही चीज़ होता है कि जो हमारे कंपनियां, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए अगर वो हमको पैसा दे रही है, ठीक है, ऐड लगा रही है, तो उससे हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, 1 दिन में हम कितना करोड़ कितना अरब रुपए कमा रहे हैं, कितना लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो एनालिटिक्स करता है। तो गूगल एनालिटिक्स जो है यही होता है, जिसमें कि हम लोग सारे चीज़ों का कैलकुलेशन करके ये देख पाते हैं कि हमारी जो है कितनी इसकी इनकम हो रही है। किसी भी वे में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इनकम के बारे में बताया, ठीक है। तो ये होता है एनालिटिक्स। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्या आपका ब्लॉग है, माने क्या आप कभी ब्लॉग बनाने की कोशिश किए हैं, आपके पास एक स्थिर वेबसाइट है, यदि हाँ तो है आपको। अब एक भाषा, सिंपल भाषा में एक और हम बता देते हैं, जैसे कि अपना ही हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आपको वीडियोज दे रहे हैं, तो अब ये वीडियोज हम लगभग 1 महीना 1 मंथ जो है कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। अब हमारा 1 मंथ का एनालिटिक्स निकलता है, क्या निकलता है, एनालिटिक्स निकलता है कि हम 1 महीने में कितने रुपए कमाए, कितने रुपए कमाए। दूसरा हमारा एनालिटिक्स ये निकलता है कि हम 1 मंथ में कितना टाइम वेस्ट किए, कितना टाइम वेस्ट किए। अगर अगला जो निकलता है वो निकलता है कि हमारे 1 महीने में कितने व्यूवर आए, मैंने कितने लोग देखे, तो ये सब क्या होता है, एनालिटिक्स होता है। तो उसी तरह से गूगल का भी एनालिटिक्स होता है। तो गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे देखेंगे। विजिटर जो है कहाँ रहते हैं, कितने लोग वेबसाइट पे जाते हैं, ये सारी एनालिटिक्स हो रही है। कोई एक हमने साइट बनाए हैं, ठीक है, ये साइट हमने बनाए हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, साइट है। अब इस साइट को क्या किया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि हमारे जो ये साइट है इसमें कितने लोग वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये विजिटर कहाँ कहाँ से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स रहेगा, एक कमेंट बॉक्स रहेगा, उसमें लिखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं, हम लखनऊ से हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, एनालिटिक्स किया जाता है कि हमारे जो विजिटर है वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक। और एनालिटिक्स किया जाता है कि हमारा जो है वीडियो या फिर जो सर्च किया गया है वो मोबाइल के अनुकूल है या फिर लैपटॉप के अनुकूल है या किसके अनुकूल है, ये देखा जाता है।
मार्केटिंग स्टेज वेबसाइट देखी जाती है, ट्रैफिक जो है किस तरह से आ रही है, वेबसाइट में कौन से पेज लोकप्रिय हो रहे हैं, माने सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसी के बारे में हम साइट बनाएंगे, वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ाए, ये सारी एनालिटिक्स के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर एनालिटिक्स क्या होता है आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से बस यही आएगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, बस। अब हम आगे बढ़ेंगे सोशल मीडिया पे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पे होने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। हम लोग लास्ट यहाँ पे चैप्टर हमारा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हमने आप सभी को बताए हैं पहले ऑलरेडी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग किस किस चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, हमारा क्या हो गया फेसबुक हो गया, एक सेकेंड, फेसबुक हो गया, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हैं हेडिंग में और ये बता सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरह से होता है। फेसबुक से वीडियो के फॉर्म में, यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से शेयरिंग होता है, इमेज के माध्यम से शेयरिंग होता है, इंस्टाग्राम पे लिंक के माध्यम से शेयरिंग होता है, यूट्यूब पे भी लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी लिंक डाल सकते हैं, जिससे कि हमको ऑडियंस रीच मिलेगी, ज़्यादा पब्लिक आएंगे और हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है। हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम अपना क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी एक वेबसाइट बनाए, वहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अब हम उसको फेसबुक पे सेंड करेंगे तो फेसबुक पे हमारे जितने फ्रेंड हैं वो देखेंगे, मन पसंद आएगा तो वो चीज़ को खरीदेंगे, यानी हमको ऑडियंस मिल जाएगी। तो किसके माध्यम से मिल रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है रणनीति और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग योजना में बहुत सारे, ठीक है, क्रॉसओवर होते हैं, जिसके बारे में इस तरह सोच सकते हैं कि एक रणनीति वह जगह है जहाँ पे आप जा रहे हैं, एक योजना यह है कि आप वैसे वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये होता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी ऑन सोशल मीडिया, माने यहाँ पे आप जो सोशल मीडिया है वो क्या देता है या क्या चाहता है ये देखना होता है। हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आप ऑडियंस को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू शेयर, आप किस तरह से सोशल मीडिया पे जो लिंक है या जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको शेयर कर सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग टू शेयर, माने ये कहाँ कहाँ पे शेयर हो सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर, मतलब ये कैसे शेयर हो सकते हैं, कब शेयर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होने चाहिए, तब जाके आप सोशल मीडिया पे क्या है मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इस पे देखिए सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डांस करेंगे, ठीक है, इसमें देखते होंगे बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल भी वीडियो देते हैं। तो जो डांस करते हैं तो उनका तो फैशन है डांस करना, लेकिन वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्ट को सेलिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों ऑडियंस हो गए, अब करोड़ों लाखों ऑडियंस हो गए, अब उनको हम बोले हम पे क्योंकि विश्वास करते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो देखते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, तो हमने बोले कि ये चीज़ प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए, तो आप क्या करेंगे उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे। जैसे कि अब सिंपल भाषा में हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर हम कौन सा बुक लें, ठीक, तो अगर हमको जो पसंद है, जैसे कि हम अगर जैसे कि कोई कंपनी हमको कहती है कि आप मेरी कंपनी को प्रचार करा दीजिए कि हम इस बुक को आप सेल करिए, हम आपके इसके लिए आपको पैसे देंगे, तो ये हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। तो अगर वो उन्होंने बोले कि हमारी एशियन जो पब्लिक स्कूल की बुक होती है, एशियन की बुक जो होती है, ठीक है, उसका आप प्रचार कर दीजिए, तो हम आप सभी को बोल देंगे कि एशियन का जो बुक है वो बहुत ही अच्छा है, आप सभी लोग ख़रीद लीजिए। तो जितने हमारे ऑडियंस है जो हम पे मतलब क्या करते हैं विश्वास करते हैं वो सारे लोग खरीद सकते हैं। तो आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के वजह से आप उसको ख़रीद पाए, आप लोग को नॉलेज मिल पाया और वो चीज़ आपके जो है आपके पास पहुंच पाया, ठीक है, और आप हम पे विश्वास किए। तो ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह से की जाती है।
तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये लास्ट चैप्टर है, इससे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ही आएगा कि आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टेज दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया सबसे पहले आपको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक लिस्ट, यूट्यूब, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग, गोल्स क्या क्या होते हैं, इसके ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्मार्ट सोशल मीडिया निर्धारित किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है और आपका ये सारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। एक एक के बारे में है कि YouTube कैसे काम करता है, ठीक है, और Twitter कैसे काम करता है, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, यही सारा था। तो लेसन नंबर 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिए, कुछ खास नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। अपने से जितना भी पेज भरना हो भर दीजिए, 4-4 पेज भरिए, 3-3 पेज भरिए, जितना हो, लेकिन 36 पेज है तो 36 पेज एकदम पूरा भर के आइए। ठीक है, एक क्वेश्चन कम से कम आपको 15 मिनट देने हैं। ठीक है, 15 मिनट में लग 3 से लेकर 4 पेज भरने हैं। आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। सबसे पहले जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि SEO क्या होता है। ठीक है, SEO क्या होता है, तो सबसे पहले आप लिखिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ये आपका बन गया SEO, आपका क्वेश्चन पूछा लेकिन इसमें आप 4 पेज भरना चाहते हैं, तो SEO आपका एक पेज हो गया। टाइप आप SEO, ठीक है, टाइप आप SEO। अब SEO के टाइप के बारे में बता दीजिए जो कि एक पेज होना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या हैं, SEO के एडवांटेज क्या है, एक पेज में हो गया, डिसएडवांटेज क्या है, दूसरे पेज में हो गया। अगला हो गया कि इसके फीचर क्या हैं, कहाँ कहाँ पे SEO का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। बस इतना ही था, क्लास को अब एंड करेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड्रॉयड में एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो आप बताए थे। अंकित, तब आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, एंड्रॉयड में जितने भी क्वेश्चन हमने बताए थे सारे के सारे आए थे। ठीक है, फर्स्ट लेसन से तो सारे आए थे, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो टाइप होता है टाइप के अंदर से क्वेश्चन पूछा था, हर चीज़ में टाइप के अंदर से क्वेश्चन पूछा था। आप लोग एक दिन पढ़ के सोचेंगे कि टॉप कर जाएं तो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को जब इतना नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है तो आप लोग कैसे क्या करेंगे, वो आप ही लोग जानते हैं। तो बस इतना ही, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।